सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री राम नवमी महोत्सव की, श्री राम कथा की, गौर भक्त वृंद की, हरे कृष्णा। पुणे आज पावन रामनामी के तिथि में इस्कान श्री राधा रास बिहारी मंदिर मुंबई में आप सबका पांचवें दिन की राम कथा में स्वागत है। अरण्य कांड में कल भगवान श्री रामचंद्र के वनवास का उद्देश्य साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश है, और जनस्थान और दंडकारण्य में रहने वाले ऋषियों के प्रार्थना करने के ऊपर श्री रामचंद्र ने दंडकारण्य को असुरों से राक्षसों से शून्य बनाने के लिए वचन कर लिया, और उसका शुभ आरंभ करने के लिए शूर्पणखा आई, कामचारिणी थी, लक्ष्मण के द्वारा नाक कान कटने के बाद पहले ही खरदूषण त्रिसरा आदि 14,000 राक्षसों का राम जी ने संहार किया, और उनमें से चौथा उनका जो युद्धपति था, जो लीडर था राक्षसों का अकंपन, उसने जाके रावण को समाचार दिया कि आपकी जो आउटपोस्ट भारत में थी, जहां आपने 14,000 राक्षस अपने भाई खरदूषण के साथ रखे थे, उन सबको दशरथ नंदन राम ने दो घड़ी का मतलब एक घंटे से कम टाइम, 24 मिनट की घड़ी होती है कितनी, तो 2.5 घड़ी में समाप्त कर दिया। आप प्राण दान दें, मुझे अभय दान दें, तो मैं आपको सच्ची कथा बताऊं, ऐसा सूरवीर मैंने देखा नहीं है। अकंपन कहता है, मेरा नाम अकंपन मेरे बाप बाप ने रखा था, लेकिन उनको देख के मैं कांप रहा हूं, मेरी हालत ऐसी हो गई है। फिर भी उनके संग जो स्त्री है, मेरी राय है उसको महाराज आप छल से कपट से कैसे भी बल से छल से ले आइए, तो फिर उनके विरह में उनका अपने आप शक्तिहीन होके प्राण निकल जाएंगे। रावण को ये अच्छा सुझाव लगा, रावण ने अपने रथ का आवाहन किया। वाल्मीकि रामायण लिखती है, रावण का वो रथ आकाश में चलता उड़ता था, पानी के ऊपर तैरता था और धरती के ऊपर तो चलता था, और मन की गति से चलता था और मंत्रों से चलता था। और रावण बहुत बड़ा वेदज्ञ, मंत्रों को जानने वाला, कर्मकांडी पुलस्त कुल का ब्राह्मण विश्वरवा का पुत्र है। रथ के ऊपर चढ़ के आकाश मार्ग से रावण मारीच के पास गया। अभी लगता है मारीच, हमने आपको कहा था समुद्र हिंद महासागर के बीच में गिरा, जहाँ मारीच गिरा वो इतना बड़ा था, वो पानी वहाँ से थोड़ा सूख गया, उधर थोड़ा द्वीप बन गया, उसको अभी मॉरिशस कहते हैं। हाँ, मारीच गिरा तो पहले मारीच की जगह, फिर मारीच का च मिट गया, श हो गया मारीच, फिर मॉरिशस हो गया, तो वही जगह मॉरिशस। तो हनुमान यहाँ से आकाश मार्ग से गया, क्योंकि बीच में समुंदर है, उतरा। मारीच ने प्रणाम किया, लंकेश आइए। बोला, मारीच आपकी सहायता की जरूरत पड़ गई है। वो जनस्थान में जहाँ अपना आउटपोस्ट में खरदूषण रहते ना, वहाँ कुछ राजकुमारों ने हमारे सारे राक्षसों को तो समाप्त कर दिया, एक स्त्री उनके संग है, उसको हमको छल कपट से लाना है और आपकी सहायता की मुझे जरूरत है। मारीच कहता, महाराज ऐसा कौन है, आप तो त्रिलोकों में विजय कर दिए, इंद्र को तो पकड़ के आपका बेटा बंदी बना के लाया था, वो तो ब्रह्मा जी उसको छुड़ा के गए हैं, आपके मेघनाथ का नाम ही इंद्रजीत हो गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के बाकी सारे देवता तो महाराज आपके चारपाई के पास खड़े होके वेद पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन आ गया है। रावण कहता है, मुझे समाचार मिला है, उसका नाम राम है। मारीच कहता है, महाराज ये किसने आपको राय दी, वो आपका बड़ा शत्रु है, मैं आपको सत्य कहता हूं, आप रावण के साथ वैर मत रखिए, नहीं तो
मैं तो मरूंगा जाऊंगा तो आप भी मरेंगे, लंका नाश हो जाएगी और राक्षसों का वंश भी नाश हो जाएगा। उस रावण का मैंने पराक्रम देखा हुआ है, आप लौट जाइए लंका में, आराम से अपना राज कीजिए और अपना राक्षस वंश को नाश मत कराइए। रावण की बुद्धि में बात बैठ गई। रावण वापस लौट के आ गया, लौट के आके बैठा। इतनी देर में सुरपंख आके टपकी और आते ही कहा, देखो मेरा हाल तुम करो या मौज, तुम्हारा वो भारत वाला हिस्सा सारा आज नहीं तो कल चला जाएगा, अपनी धरती का ध्यान नहीं रखते हो, राज कैसे करोगे तुम, अपने यहाँ मौज में रहो, ये मेरा हाल तो देखो तेरी बहनों। और सुरपंखा के पति को रावण ने ही मारा था, वो विधवा थी, वो रावण के द्वारा ही मारा गया था उसका पति, वो विधवा थी और ऐसे ही कामचारिणी घूम रही थी। और उसने रावण को थोड़ा डांटा पहले, फिर भय दिखाया कि वो दो बालक जो है वो तो तुम्हारा एरिया समझो गया, जो अपना भारत में था ना टुकड़ा वो तो गया, अभी वो यहां लंका में आए तो तेरा सर्वनाश कर देंगे, मैंने उसको देख लिया। कंपन ने ठीक कहा था, उनके साथ जो सुंदर स्त्री है ना वो तो आपके घर में शोभा देती है, बस आप कैसे भी उसको लाने की व्यवस्था कीजिए तब आप बच सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। अब रावण के मन में फिर वापस मारीच के पास उसी रास्ते से गया और मारीच को जाके कहा, मारीच तुम्हारे को मेरे काम के लिए चलना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि प्रशंसा करने वाले तो बहुत लोग मिल जाते हैं लेकिन सत्य कहने वाला हितेशी बहुत कम मिलता है। मैं आपको सत्य कहता हूं हे लंकेश, इस राम नाम का कोई रथ का नाम लेता है ना, रतन कोई कहता है तो मैं कांपता हूं। मैं एक बाण से 100 योजन दूर गिरा था, उस राम के पास लड़ने का काम आपके लिए उचित नहीं है, मैं आपको सत्य कहता हूं। रावण के मैं सुनने के लिए नहीं आया हूं, आज्ञा देने के लिए आया हूं, आपको यह काम करना है नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। मारीच कहता मरना है, इधर भी मरना उधर भी मरना, तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरे, राम के हाथों मरने से उद्धार तो होगा। महाराज जो आपकी आज्ञा, जैसे आप कहें। तो अब चिंतन किसका कर रहा है, मारीच राम का, मैं राम के पास जाना है। रावण कहता है आप एक सोने के मृग बन जाओ और सीता को ललचा के कैसे भी अपने ओर आकर्षित कर दो और फिर दूर ले जाना, उसके पीछे जब राम आए तो, और तुम्हारे को बाण मारे भी तो तुम अंत में लक्ष्मण है सीता जरूर कहना। ये रावण का आतंकवाद, ये खुद मरने जा रहा है लेकिन दूसरे को मरवाएगा, तो सीधा सा मरने जा रहा है ना, वो तो रावण कह ही रहा है कि तुम मरोगे तब तुम ये कहना, तो ये मरने वाला काम तो पहले से चलता आ रहा है। लोग ऐसे जो असुरी प्रवृत्ति के रावण की तरह हैं उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो मरने के लिए जाते हैं लेकिन सबको मरवाते हैं, ये तो पुराण है। एक बड़ा सबसे पहला आतंकवाद कहाँ से आया था भारत में, अफगानिस्तान से आया था शकुनी, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया, ये पहला था, अभी तक भी वहीं से आ रहे हैं, लेकिन ये शकुनी के ज़माने से यहाँ आ रहे हैं, कोई नया कौन नहीं है, ये बहुत पुराना है आतंकवाद यहाँ आने का रास्ता खोला। अब तो वहीं से उसी रथ के अंदर लेकर मारीच को रावण पंचवटी पे रथ को दूर रखा, कहा मैं यहाँ छुपता हूँ, मारीच हिरण बन के और सीता जी की कुटिया के आगे घूमने लगा। सीता जी फूल चुनते हुए हिरण को देखा, हिरण भी जरा मुस्कुरा के पास में आए, फिर अपने भाषा में कुछ बोले तो सीता का मन उसने हार लिया। सीता आके दोनों भाइयों को कहा, राम लक्ष्मण को, हे प्रिय करुणाधान श्री आर्य पुत्र, हे लक्ष्मण वो देखो तो कितना सुंदर हिरण आज पहली बार इतना इस वन में दिखा है, मेरा मन उसने मोहित कर लिया है, आप उसको जिंदा ला के दें तो अच्छा है, नहीं तो उसकी चरम तो अच्छी है ही। लक्ष्मण ने कहा, माता भैया सोने का मृग होता ही नहीं, ये माया का राक्षस है, ये छल कर रहा है। राम जी कहते हैं, प्रिय लक्ष्मण अगर राक्षस है तो राक्षसों को मारने का तो हमने पहले ही वचन किया हुआ है, उसको तो मारना ही है, अगर हिरण है तो अच्छा है और सीता को पसंद है। अभी 13 साल होने को आए हैं वनवास में,
13 साल में सीता ने कुछ मांगा तो नहीं है हमसे? आज पहली बार कोई चीज़ मांग रही है तो उसको देने के लिए मेरी इच्छा है कि इस हिरण को मैं अगर राक्षस से तो मार दूंगा, नहीं तो पकड़ के लेके आता हूँ। आप ध्यान रखना सीता का, यहाँ आप इनको छोड़ के मत कहीं जाना, रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। राम जी ने ये शब्द कहे। यह हमारे वैष्णव आचार्य लिखते हैं रामानुज संप्रदाय में, मारीच, जैसे मारीच शब्द का अर्थ है सूर्य की किरण, जैसे सूर्य की किरण रेत में पानी का आभास कराता है उसको कहते हैं मृग तृष्णा, जो असल में होता नहीं है, दिखता है। जैसे ये सोने का हरण है नहीं लेकिन दिख रहा है। संसार में जीव ऐसे मृग तृष्णा के कारण मोह में फंसता है। जब जीव मोह में फंसता है तो भगवान से बिछड़ना पड़ता है। ये सीता शिक्षा दे रही है कि इस तरीके से संसार में कोई मृग तृष्णा के मोह में फंस गया तो भगवान से अलग हो जाएगा। फिर भी अगर गुरु लक्ष्मण शेष गुरु तत्व है, अगर गुरु का आश्रय ले और उसकी सुरक्षा में रहे तो पुनः भगवान मिलना संभव है। लेकिन गुरु का त्याग कर दिया, अपमान कर दिया तो बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा संसार के अंदर। राम जी तो गए हिरण आगे पीछे, थोड़ा आगे चले फिर पीछे चले फिर रुके, थोड़ी दूर तक गया, राम जी देखा पकड़े में नहीं आएगा, बाण मार दिया और मरते समय मारीच ने हाय लक्ष्मण हाय सीता कह दिया। कुछ तो आचार्य लिखते हैं सारी संसार भगवान के पीछे भागता रहता है। यहां देखो कितना इस मारीच का भाग है कि भगवान उसके पीछे भाग रहे, थोड़ा अद्भुत है। इसका मरीच, इसका अर्थ यह है कि मारीच के हृदय में राम 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 इतना उसने तीव्र गति से जपा था कि राम ऐसे भक्त के पीछे भागते हुए जा रहे थे। एक कथाकार की कथा में, बहुत कथाएं करता था, प्राण निकल गए, वैकुंठ के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा बंद था, दरवाजा के ऊपर जो खड़े थे दरबान बोला रुक जाइए अभी नहीं जा सकते। बोला मैं रोज कथा करता था, कई बार कथाएं की, 108 कथा कर चुका हूं, मेरे लिए दरवाजा वैकुंठ का खोलिए, बैठ जाइए। अभी बैठा है, एक व्यक्ति आया बाल बिखरे हुए ऐसे, आते ही दरवाजा खोला और उसको अंदर भेज दिया। ये उठ के खड़ा हो गया कि ये क्या, कौन था, इसको क्यों भेज दिया, मेरे को क्यों नहीं जाने दे रहे हो? बोला ये बहुत एक बस का ड्राइवर था। बोला बस का ड्राइवर जा सकता है वैकुंठ में, कथा करने वाला नहीं जा सकता है, ये कौन सा आपका न्याय है? बोला आगे सुनो लिखा क्या है, जो ये रिपोर्ट आई है इसकी, ये इतना रफ ड्राइवर था, सारे पैसेंजर हरे राम हरे राम 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 हरे हरे करके सफर गुजारते थे। महाराज आपकी कथा में आधे सोते थे, उसकी बस में सब जाग के राम राम जपते थे, इसलिए उसके लिए वैकुंठ का दरवाजा खुलेगा। तो आज तो मैं आपको देख नहीं रहा हूं, पीछे सोना मत, नहीं तो हमारा दरवाजा कहीं बंद हो जाएगा। तो आज मारीच के मन में राम राम का इतना कोई भाव ऐसा हो गया कि राम जी साक्षात तो उसके पीछे जा रहे हैं, भगवान किसी के पीछे जाएं ये तो संभव नहीं। लेकिन ये अद्भुत सा दृश्य है। और वहां लक्ष्मण को सीता कहती है देखो आपका भैया कहीं संकट में, किसी राक्षस ने कुछ कर दिया होगा, आपको बुला रहा है, आप जाइए। लक्ष्मण ऐसे सर नीचे हैं, आंखें नीचे की हुई माँ के चरणों में, क्या राम का कोई अहित नहीं कर सकता है, माँ मैं जानता हूं। लक्ष्मण आपको जाना चाहिए उनकी सहायता के लिए, मेरे को राम जी का आज्ञा है और मैं यहां से जा नहीं सकता हूं, और मैंने वैसे भी शब्द लिया हुआ है कि राम की आज्ञा का उल्लंघन करने का कोई कहेगा तो मैं तो उसको मार दूंगा। ये लक्ष्मण का वचन किया हुआ था। जब सीता जोगी से विवाह करके आ गए ना वापस, तो पहले दिन ही लक्ष्मण तो घर में रोज राम जी के साथ, ऐसे लिखा है वाल्मीकि रामायण ने, राम जी रात को सोते नहीं थे जब तक लक्ष्मण आके सोए नहीं,
राम जी भोजन नहीं करते थे जब तक लक्ष्मण आए नहीं, भोजन करे तब तक राम भोजन नहीं करते थे। उस दिन लक्ष्मण उधर गया तो दरवाजा बंद था, आज तो नहीं सो सकते, जाओ तो अभी तो शादी हो गई। दूसरे दिन सीधा गया गुरु वशिष्ठ के पास, बोला महाराज 20 सालों से मैं सेवा कर रहा था, कल शादी हुई, आज मेरे को घर से बाहर मेरी सेवा बंद, ये कोई बात है? कोई हमारा न्याय कीजिए। महाराज वशिष्ठ ने कहा आपका अब न्याय ये है, जब महल में राम जी रहेंगे तो सीता सेवा करेगी, बाहर आपकी सेवा है, दोनों का बंटवारा कर देते हैं, दोनों सुखी। हाँ, कि वो एक दिन भी दूर नहीं रह सकते हैं। एक बार भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी और शनि देव दोनों गए, आपको कौन हम दोनों से अच्छा लगता है? भगवान के लिए तो सब बराबर हैं। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि असुर भी और देवता दोनों भगवान की दो पत्नियों की तरह हैं। ये तो वो तो दोनों के साथ उसको रहना है। ब्रह्मा जी ने दोनों को जन्म देने वाला है, इसलिए दोनों से पक्षपात नहीं करता है। अगर हिरणाचार्य हिरण्यकशिप भी तपस्या करते तो उसको भी वरदान देते हैं, रावण तपस्या करते हैं तो उसको भी वरदान देते हैं, और कोई देवता तपस्या करते हैं तो उसको भी वरदान देते हैं, तो दोनों बराबर हैं उसके लिए। तो हरे कृष्ण, क्या बात कर रहे थे? तो भगवान विष्णु मुस्कुरा के कहा जरा जाओ तो सामने से वो मंदिर को हाथ लगा के वापस आ जाओ। दोनों वापस आ गए। बोला अब बताइए। बोला लक्ष्मी तुम जब आती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, और शनिदेव तुम जब जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हो, दोनों अच्छे हो। एक का आना अच्छा लगता है लक्ष्मी का, और शनि का जाना अच्छा लगता है, दोनों ही अच्छे हो। तो भगवान तो पक्षपात नहीं करते, हर एक के अंदर अच्छाई देख लेते हैं। आज सीता ने जो वचन कहे हैं वो वाल्मीकि रामायण के, वो कहने के लिए संकोच होता है। सीता जी कहते हैं लक्ष्मण मैं समझती हूं कि तुम समझो आए इसलिए हो यहां के, कहीं राम जी का अहित होगा तो तुम मुझे भोगोगे, या तुमको भरत ने भेजा है तुम ऐसा करना चाहते हो? फिर भी हाथ जुड़कर मां मैं आपकी रक्षा के लिए राम जी छोड़ के गए, तो सुन लो लक्ष्मण तुम्हारा कभी इच्छा पूर्ण नहीं होगा, तुम मुझे भोग नहीं सकते, मैं पर्वत से कूद के प्राण तेर दूंगी, मैं गोदावरी के अंदर डूब जाऊंगी, मैं आग में जल जाऊंगी, मैं विष खा लूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं आपके हाथ नहीं आ सकती हूं। आप अब तो लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई, भसम करने जैसी आंखें हो गई, क्योंकि ग्राम के वचन को उल्लंघन करने के लिए सीता कहती है। उस वक्त पृथ्वी देवी हाथ जोड़ के कहती है हे अनंत शेष आप हमको धारण करते हैं, सीता हमारी पुत्री है, आप इसके ऊपर क्रोध मत करो, ये क्रोध आप हमारे ऊपर कर दो। तो लाल आंखें जो लक्ष्मण जी थी वो धरती ने उसको धारण कर लिया, वो क्रोध धरती ने ले लिया, और लक्ष्मण जी यहां से राम की तरफ बढ़े हैं। लक्ष्मण जी जैसे रावण राम की तरफ गए तब रावण सन्यासी का वेश धारण करके नीचे उतरा है, और अलखना रंजन करके सीता जी के दरवाजे पे आया है। और सीता जी ने पहले तो बहुत चिंता में थी, राम की चिंता थी, लक्ष्मण भी चले गए थे, लेकिन एक साधु को दरवाजे में देखा तो मन में भाव आया कि साधु की सेवा करने से हमारा कुशल मंगल हो सकता है, संकट टल सकता है। तो ऐसा भाव आया था, तब तो रावण भीख मांगने के बजाय सीता के अंगों की प्रशंसा करने लगा, वाल्मीकि रामायण में दिखा है। और सीता चुप रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। और रावण ने पूछा आप अपना परिचय दीजिए, हैं कौन? तो सीता ने अपना परिचय दिया कि जनक नंदनी हूँ, मैं तो अयोध्या पति दशरथ की पुत्र वधु हूँ, और उन हमारे पति और देवर के साथ यहाँ आई हूँ। और सीता कहती आप अपना परिचय दीजिए। हंसते हुए रावण कहता मैं तो त्रिलोकी को कंपाने वाला रावण हूँ, अब आपको उठाने के लिए आया हूँ। सीता कहती दुष्ट तुम अपने आप को मरा हुआ समझो, मेरा पति और देवर जैसे आएंगे तुम्हारे प्राण निकले हुए समझो, तुम तो अपना विनाश करने के लिए यहाँ आए हो। यहाँ रावण तो इस वक्त जो रामचरितमानस में लक्ष्मण कार का वर्णन है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन जो लक्ष्मण के क्रोध अग्नि धरती ने धारण की थी वो अग्नि मानो के वहां रावण को अंदर नहीं जाने दे रही थी, ऐसे मान लेना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसका अर्थ यहां ये है, 3 दिन पहले हमने आपको बताया था, एक दिन सीता को राम जी ने कहा था कि
जब तक रावण आपको नहीं ले जाएगा तब तक रावण का वध संभव नहीं है, लेकिन रावण आपको हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए आपके छाया रूप को रावण लेके जाएगा। ये कथा भी है। आज क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है वो सुनिए। उस वक्त अग्निदेव प्रकट होके सीता को, असली सीता को अपने पास रखना चाह रहे हैं, लेकिन अग्निदेव भी सीता को हाथ नहीं लगा सकते। अग्निदेव ने अपनी पत्नी सुहा का आह्वान किया। अग्निदेव की पत्नी सुहा ने सीता को गोद में लिया और सुहा को अग्निदेव ने उठाया, और असली सीता तो अग्निदेव के साथ सुहा की गोद में अग्नि लोक चली गई। छाया रूपी सीता वहां रुक गई। उस छाया सीता को रावण ने हाथों से पकड़ा और अपने रथ के ऊपर बिठाया। इस बात का प्रमाण चैतन्य चरितामृत में भी है, जहां रामदास ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को घर में भिक्षा के लिए बुलाते हैं और महाप्रभु पहुंचते हैं तो दोपहर को 11 बजे तक चूल्हा भी नहीं जला है। महाप्रभु जाके कहते हैं, भूदेव आपने भोजन के लिए बुलाया था ब्राह्मण? बोला, लक्ष्मण लकड़ी लेने गया है, हनुमान पानी ले आएगा, सीता रोटी बनाएगी, तब आप खाइएगा भोजन। महाप्रभु देखते हैं कि कितना सुंदर भाव है, ये तो राम के चिंतन में तो इतना तलीन है, इसको ये भी मालूम नहीं है कि संसार कैसे चल रहा है। तब तक तो ब्राह्मण बाहर चेतना में आया, बोला, महाराज मेरे से क्षमा हो गई, महाप्रभु जल्दी से भोजन तो बनाया। महाप्रभु को भोजन दिया, महाप्रभु ने कहा आप भोजन कीजिए। बोला, जब से मैंने ये पढ़ा है कि सीता को रावण उठा गया, तब से मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ। असुर रावण कैसे सीता को हाथ लगा सकता है? महाप्रभु ने कहा, नहीं, छाया सीता थी, असली सीता तो अग्निदेव के पास थी, लेकिन महाप्रभु यहाँ से गए हैं कूर्म क्षेत्र में, कूर्म पुराण के 2 पन्नों के अंदर ये पूरी कथा लिखी हुई मिली है कि छाया सीता को रावण ले गया था, तब वहाँ से महाप्रभु वापस लौट के वो दाव कागज ला के उस ब्राह्मण को दिए हैं, तब से उस ब्राह्मण का मोह निवृत्त हुआ। तो आज रावण छाया सीता को उठाकर आकाश मार्ग में उड़ा है। सीता हाय राम हाय लक्ष्मण कहा है, सोया हुआ जटायु जाग गया है, जटायु उड़ के रथ के आगे खड़ा हो गया। बोला, रावण स्त्री को और अकेली को ले जाना बहुत बड़ा अपराध है, और इसके पति और देवर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, आप इसको वापस छोड़ के जाइए। रावण कहता, हटो यहां से, बीच के रास्ते से। गीदराज देखा कि ये छोड़ेगा नहीं, तब युद्ध शुरू हुआ। आज तो जटायु ने बहुत बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया है, घोड़े मार दिए, रथ के सारथी को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, रावण सीता को हाथ में लिया हुआ नीचे गिरा। और जटायु एक तो बूढ़ा भी हो गया था, एक लड़ते हुए रावण से थक गया था, नीचे गिर पड़ा, और रावण सीता को उठा के अपनी माया से उड़ने लगा। उस वक्त फिर जटायु उठा है और उठ के रावण के कंधे के ऊपर बैठा है और चोंच से और पंजों से रावण का नोच के कान नोचने लगा है। रावण को बहुत पीड़ा हुई है, सीता को छोड़ दिया है, सीता जाके एक पेड़ को पकड़ के खड़ी हो गई, राम राम, और इतनी वेदना हुई रावण को, रावण ने तलवार निकाल के दोनों पर काट दिए, जटायु के पांव काट दिए। जटायु बेचारा ऐसे बहुत पीड़ा में नीचे गिर पड़ा है, सीता हाय राम कर रही है। रावण सीता को वहां से फिर बलात् लेके उठा के आकाश मार्ग से अपने माया के उस भाव से चला है। सीता कहती जा रही है, दुष्ट तुम मेरे को हाथ मत लगाओ, मुझको मत छुओ, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, और रो भी रही है। तब पंपा सरोवर के पास एक पर्वत के ऊपर 5 वानरों को बैठे हुए देखा। सीता जी ने अपने कपड़े के अंदर कुछ आभूषण डाल के नीचे फेंके कि यहाँ से कहीं ढूंढते हुए अगर राम लक्ष्मण आएंगे तो मेरा मार्ग का पता लग जाएगा, समुद्र पार करके लंका में अपने रानीवास में जाके सीता को कहती हैं, देखो ये मेरा महल, देखो ये हजारों मेरी स्त्रियाँ, ये देवांगना है, ये गंधर्व कन्याएं हैं, ये सिद्धों की है, ये चारणों की है, मन आप यहाँ रानी बन जाइए, इन सब के ऊपर आप यहाँ की महारानी बने, ये सब आपकी सेवा करेंगे, मैं लंकेश हूँ। उस वक्त एक तिनका घास का ऐसे सीता ने हाथ में लिया रावण की ओर अपने बीच में, कहा, रावण तेरी इच्छा ये कभी पूरी नहीं होगी, तुम्हारे को मैं इस तिनके से ज्यादा महत्व नहीं देती हूँ।
और वैसे भी बीच में कुछ, मैं धरती की पुत्री हूँ, तिनका मेरा भाई है, धरती से उत्पन्न हुआ है, इस वक्त मेरा और कोई साथी नहीं है, तो मेरा भाई मेरे बीच में, पर पुरुष से बात करने का, नारी का धर्म नहीं बताया गया है, इसलिए मैं मर सकती हूँ, मेरे तपोबल से तेरे को भस्म भी कर सकती हूँ, तेरी लंका भी जला सकती हूँ, तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और अब तो राम जी यहां लक्ष्मण के साथ आके जब तेरा सर्वनाश करेंगे तब उनका यश होगा, और जब ले जाएंगे तब मैं जाऊंगी। रावण को बहुत क्रोध आया, और रावण को यह श्राप तो था, किसी की इच्छा के बगैर आप किसी स्त्री को हाथ लगाया तो तेरे प्राण निकल जाएंगे। रावण ने कहा, अशोक वाटिका में जाके इसको रख दो, एक साल की अवधि देते हैं, एक साल तक आपने अगर आज्ञा का पालन नहीं किया तो टुकड़े टुकड़े कर काट के और आपको रसोई घर में भेज दिया जाएगा, रसोई आपको सब राक्षस खा जाएंगे। सीता तो इस तरफ चली गई, रावण ने दूसरी तरफ 8 राक्षसों को कहा, आप जाइए समुद्र पार। पता लग गया ये राम और लक्ष्मण की क्या चाल है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या अवस्था है, क्या सीता को ढूंढ रहे हैं कि वापस चले गए हैं, ये व्यवस्था वहां से हो गई। और यहां लक्ष्मण को आते हुए राम जी देखा तो राम जी कहा, भ्राता तू कैसे अकेली सीता को छोड़ के आ गए, तुमको वहां छोड़ा था उनके, जब मेरे को अपशकन हो रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया जो वचन भाभी ने कहे थे वो मैं सुन नहीं पाया, तुम्हारे को वहां रहना चाहिए था, ये तुम्हारा उचित नहीं है कहना, जल्दी चलो जल्दी चलो। आके देखते हैं तो आज कुटिया में सीता नहीं है, वन में सीता, इधर देखा गोदावरी तट के तट पे देखा, अब तो राम अधीर होके हे सीता हे वृक्षों सीता को देखा, ऐसे विलाप करने लगे। और थोड़े आगे आते हैं तो इतना बड़ा अक्काया एक खून में लथपथ रथ में जीव को, अरे बोला इसी राक्षस ने कहीं खा लिया होगा सीता को। उस वक्त मरने आवाज में जटायु कहता है, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं जटायु हूं। अब तो राम जी नजदीक आए, उसको गोद में ले लिया, जटायु ने कहा, देखो ये रथ है, ये घोड़े हैं, ये सारथी है, मेरे सामर्थ्य के हिसाब से मैं बहुत लड़ा और रावण से, रावण सीता को लेके गया है। यहां वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण राम को सीता के हरण का दुख भूल गया, और जटायु के इस स्थिति को देखा कि मेरे पर पांव कट गए हैं तो उसके सर के ऊपर हाथ रखा है, और जटायु ने भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्यागे, और भगवान वहां से जटायु के उस शरीर को ले जाकर गोदावरी पे, जैसे पितृ का तर्पण करते हैं अपने पिता का, ऐसे उसका अंत्येष्टि क्रिया किए, जो पशु के लिए पक्षी के लिए कोई करने की जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए कहते हैं भागवत धर्म भगवान का पशु पक्षी के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं, उनका व्यवहार मानव और राक्षस के साथ भी बराबर है। यहां जो वचन किया था जटायु ने कि आप दो भाई जब नहीं होगे तब मैं रक्षा करूंगा, आज जटायु ने अपना वचन निभाया है। वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि जटायु कर्म है, और कर्म के द्वारा प्रयास करने से भी भक्ति को, भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक उसको सहारा और कई कर्म को और सहारा नहीं मिलेगा तब तक वो सफल नहीं हो सकता। उसको सफलता नहीं मिली, उसने प्रयास बहुत किया, तो केवल कर्म हमको आगे नहीं ले जा सकता है, भक्ति भाव उसमें जब आएगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब राम जी यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कुछ हिरण वहाँ देखे, हिरण का मुँह दक्षिण की तरफ था और उठा के मुँह ऐसे आगे चल रही थी। लक्ष्मण कहते हैं ये बता रही है कि इस तरफ सीता गई है, आगे चलते हैं। एक राक्षसी बहुत भयानक बड़ी बलवान सामने आई है, और आते ही आयुवती ऐसे नाम है, आते ही लक्ष्मण के सामने उसको हाथों में ऐसे पकड़ लिया है, और पकड़ के कहती है नहीं मैं तो अब तुम मुझे स्वीकार कर लो और विवाह कर लो मुझसे। एक तो दुख सीता के जाने का, एक राम जी जो है सीता के लिए विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण को ऐसा क्रोध आया, उसका इतना एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपर्ट था, नाक को और कान को इसका भी काट दिए, तो उसका जैसे शंकर जी को किसी का सर बदलने में तकलीफ नहीं है, अपने बेटे का सर का हाथी का लगा दिया, ससुर को बकरे का लगा दिया, ये तो हेड ट्रांसप्लांट करने में उसको देर नहीं लगता है, ऐसे नाक कान काटने में लक्ष्मण के बराबर कोई तीव्र गति से काम नहीं करता है। जाओ, भाग गई वहां से, फिर दोबारा दिखाई नहीं दी। और आगे थोड़े चलते हैं, विलाप तो भगवान राम जी करते हैं और क्रोधित हो गए, जैसे सारे पृथ्वी को जला देंगे। लक्ष्मण कहते हैं आप ऐसे करेंगे तो भैया फिर कौन दुनिया की रक्षा करेगा,
जो चीज़ गुम होती है वो मिलती भी है। और वैसे भी इस वक्त और जटायु ने भी ये कहा कि इस वक्त जो इस वक्त नक्षत्र चल रहा है, इसका मतलब है जो गुम हुई चीज़ है वो मिल जाएगी। आप आगे जाइए दक्षिण दक्षिण दिशा में, आपको ये मिलेगी। इतनी देर में कबंधनान का एक बड़ा असुर, जिसकी भुजाएं 12 किलोमीटर लंबी थी, सर था ही नहीं, पांव थे ही नहीं, वो सामने से ऐसे आया, लंबे हाथ करके राम और लक्ष्मण दोनों को ऐसे ऐसे साथ में लाया। कहा, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, लेकिन इंद्र ने वज्र से मेरे सर को और पांव को पेट में डाल दिया। मैं प्रार्थना किया तो उसने मेरे पेट में दांत डाल दिए, हाथ लंबे किए, हाथ से लेके ऐसे डालता हूँ, ना मुँह है ना पाँव है, और वैसे भी मुझे कोई मार नहीं सकता है। आज आप दोनों आ गए हो तो बस बस यहाँ तक पहुँचे और पेट में ही डालना है और कुछ नहीं करना है। लक्ष्मण राम जी को कहते हैं, मुझे छोड़िए, आप जाइए सीता जी को ढूंढिए। राम कहते हैं, भैया जुदा होना हमारा कभी ठीक नहीं है, निकालो खड़ग अपनी, एक तरफ से एक बाजू, दूसरी तरफ से दूसरी बाजू कटी, बाजू जैसे लंबी नीचे गिरी। वो कहता, मैं पहचान गया, आप दशरथ नंदन राम लक्ष्मण हो, मेरे को शराब देने के समय कहा था कि जब दशरथ नंदन आपकी बाजू कटेगा तब शराब से मुक्त होगे, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा अग्नि संस्कार करो, मैं गंधर्व हूँ, मेरे शरीर को वापस मुझे लेने दो। राम जी कहे, फिर हमको बताओ सीता का समाचार। बोलो, मैं अपने शरीर में आऊँगा तब आपको बताऊँगा। लक्ष्मण जी अग्नि संस्कार के लिए सामग्री लाए हैं, अग्नि संस्कार हुआ है, वो दिव्य शरीर में खड़े होकर कहता है, राम जी सीता कहाँ है ये अभी ढूंढने ये जानकारी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आगे जाइए, पंपा सरोवर आएगा, उसके पास ऋषिमुख पर्वत है, उसके ऊपर सुग्रीव है, उससे मित्रता कर लो और वो आपका कार्य करेगा। अभी रावण के गुप्तचर भी आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, इस वक्त तो आप ऐसे दिखाओ कि हम आपको पता नहीं है कि सीता कहाँ है। और सुग्रीव सीता के ढूंढने के नाम में सेना को जब इकट्ठी कर लेगा तब आपका काम सिद्ध होगा। आपको फिर भी कहता हूँ, सुग्रीव से मित्रता करने से आपका काम बनेगा, वो तो अपने देवलोक चला गया। आगे चलते हुए मतंग ऋषि का वन आया, मतंग वन, मतंग ऋषि का आश्रम आया, यहाँ सबरी का भगवान राम से मिलन का वर्णन है। मतंग सबरी बिचारी विलोम जाति की थी, सबर जाति की थी, भील कोल सबर जाति की थी, उनको प्रायः आश्रमों में नहीं रहती थी, लेकिन इतनी सेवा की थी कि मतंग ऋषि ने बड़े प्रसन्न होकर उसको कहा था, अब मैं तो जा रहा हूँ भगवत धाम, लेकिन आपको राम के लक्ष्मण के दर्शन होंगे, आप प्रतीक्षा करो आश्रम में, रोज झाड़ू निकाल के, रोज पानी छिड़क के, रोज फल फूल कंदमूल लाके ऐसे बैठती देखती थी राम। गुरुजी ने कहा है राम लक्ष्मण आएंगे, सालों बीत गए लेकिन उसका ये काम रोज जारी रहा। आज ये जैसे ही सब तैयारी करके बैठी है तब तो राम लक्ष्मण साक्षात आ ही गए। कहा, गुरु के वचन सत्य हो गए, कितने साल तक वो एक ही काम कर रही थी। तो ये साधन ऐसा होता है जीवन भर करना पड़ता है, एक दिन दो दिन एक महीने चार महीने छः महीने नहीं। प्रभुपाद भक्त ने कहा, हरे कृष्ण 3 साल जप रहा हूँ अभी तो कुछ मिला नहीं। प्रभुपाद ने कहा, मैं 30 साल से जप रहा हूँ। ये ऐसा तो नहीं है, ये तो आजीवन जपने का, यहाँ जपने का क्या है, हरे कृष्ण मंत्र राधा रतंत्र गौलोके र प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो गौलोक धाम से आया है, वहाँ जाने के बाद भी हरे कृष्ण मंत्र गाती हैं गोपियाँ और कृष्ण को वश में करती हैं, तो ये मंत्र तो गौलोक धाम से आया है, उधर भी यही जपना है, अगर यहाँ जपने में नींद आ रही है तो वहाँ पहुँचोगे कैसे। ये तो जपना ही है हमेशा, इसको कभी छोड़ना। वैसे सुबह उठना, स्नान करना, जप करना, ये तो हमारा नित्य कर्म है, ये नहीं करने से पाप लगता है, ये धर्म नहीं है, ये नित्य कर्म है। धर्म तो अनुष्ठान से होता है, जब कोई अनुष्ठान करते हैं तब धर्म होता है, ये तो नित्य कर्म है जो नहीं करता है। ये 3 वर्ण अगर ये नहीं करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, तो उनको प्रतिवाय लगता है, उनको पाप लगता है। तो ये तो निश्चित रूप से सबसे करना ही चाहिए सबको, और निरंतर करना चाहिए। वैसे भी कुछ नियम है जो नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं, वो करने चाहिए, उसमें से जप तप ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। अब सबरी राम जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हो गई। राम जी ने पूछा है कि आपका जप ठीक चल रहा है, आपका साधन भजन ठीक चल रहा है।
आपके गुरु की सेवा संपन्न हो गई? इस तरीके से प्रश्न पूछने से ऐसे लगता है कि सबरी दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुकी थी। वाल्मीकि रामायण में ये प्रश्न राम पूछते हैं और तुलसीदास लिखते हैं कि राम जी ने नवदा भक्ति सबरी को कहा कि ये नौ अंग भक्ति के हैं, कोई एक अंग का पालन करता है प्रथम भक्ति साधु संगा तो उसको भगवान प्राप्त। तो सबरी आप में तो नौ के नौ अंग है। यहाँ भी सबरी के दिव्य ज्ञान की भगवान ने प्रशंसा की है। फल कंदमूल या बेर खाने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है कि सबरी ने बेर खिलाए और राम जी ने खाए, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आतिथ्य करने के लिए जो फल फूल था वो सामने रखा है। तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि चक के बेर खिला रही थी और इतना उनको अच्छा लगा राम जी को कि हमेशा प्रशंसा करते थे सबरी के भोजन की। यहाँ सबरी ने राम जी के सामने ही लक्ष्मण के सामने उनको प्रणाम किया और प्राण त्याग के वो तो वापस अपने गुरु के धाम भगवत धाम चली गई। उसके बाद सबरी ज़्यादा जीवित रही नहीं। ये भी अद्भुत एक ऐसा भक्त है जो भगवान का दर्शन करने के बाद जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रही उसकी और वापस भगवत धाम चली गई। और पंपा सरोवर सामने था। पंपा सरोवर उसको कहते हैं जिसके अंदर कमल के फूल खिले हुए हों, चारों ओर कमल के फूल और पत्ते हों। आज भी जाके किष्कंधा में देखेंगे तो पंपा सरोवर में पूरे कमल कमल खिला हुआ, पूरा पत्ते ही दिखते हैं, पत्तों को हटा के नहाना पड़ेगा आपको। पंपा सरोवर में स्नान किया है, आगे तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुँचे हैं तो सामने ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से सुग्रीव अपने चार मंत्रियों के साथ बैठा है। देखते हैं दो नौजवान क्षत्रिय हाथों में धनुष बाण लिए हुए आ रहे हैं, कहीं बाली नहीं तो भेजे हैं। भयभीत हुआ, हनुमान को कहा जाके परिचय देखिए आओ, कौन है, क्यों आ रहे हैं, इनका आने का उद्देश्य क्या है। वाल्मीकि जी कहते हैं हनुमान जी वहाँ से एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं और आते ही उनको बताया मैं इस तरीके से सुग्रीव का दूत हूँ, इस तरह आया हूँ, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या आपका उद्देश्य है। इतना चतुराई से बोला है, राम जी उनसे बात नहीं करते हैं क्योंकि वो असली रूप में नहीं है, लेकिन लक्ष्मण को कहते हैं इनको परिचय दीजिए। और इसकी भाषा इतनी बोल गया है, एक गलती नहीं निकाली जा सकती, जैसे सामवेद का पंडित हो। तब लक्ष्मण ने कहा हम दशरथ नंदन दोनों इस तरीके से आए हैं और हमारे को फिर यह शब्द लिखा है वाल्मीकि ने, राम रामश्च मैं भरत का, हम दोनों सुग्रीव का शरण लेना चाहते हैं, सुग्रीव से मैत्री करना चाहते हैं। हनुमान जी अब अपने रूप में आ गए। अन्य स्थानों में ऐसी कथा लिखी है कि हनुमान जी को ब्रह्मा जी ने एक माला पहनाई थी, वो डायमंड की, कहा इसको जब राम जी देखेंगे तब आपको पहचान लेंगे कि आप उसके दास हो। आज हनुमान जी ने दोनों को कंधे के ऊपर उठाया है, ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंच के कहता आप यहाँ रुकिए, सीधा भागते हुए सुग्रीव को कहा आपके भाग खुल रहे हैं, आपसे मित्रता करने के लिए आ रहे हैं, दोनों महाबली हैं, आप चलिए उनका स्वागत कीजिए। सुग्रीव वहाँ आया है, दोनों का स्वागत किया है और कहते सुग्रीव कहता है मैं तो वानर हूँ। वानर का अर्थ होता है वनस्पति खाने वाला, ये असल में बंदर नहीं है, ये वन मानस है, मानस जैसे है वन में रहते हैं और ये वेद पढ़ते थे। बाली तो त्रिकाल संध्या करता था और समुद्र के किनारे जाके, और हनुमान जी तो बुद्धिमताम, वो तो वेद पढ़ सकता था, वेद का वाक्य इनकी पूजा होती थी, ये वन मानस थे और ये तो बात करते थे लोगों के साथ। तीन दिन पहले अहमदाबाद में हमारे वासुगोस कथा करते हुए कह रहे थे, पहले ऐसे वानर हुआ करते थे जो मानव से बात करते थे, अब नहीं दिखते हैं ऐसे। तो मैंने पूछा कौन नहीं दिखते हैं, तो असल में मानव नहीं दिखते हैं, बाकी वानर तो बहुत चारों ओर में मानव का लोप हो गया है। एक बार एक पत्रकार एक पागलखाने में गया था,
तो अंदर जाते हुए नया रोड बन रहा था, पूछा इसका खर्चा कितना लग गया है, मतलब 30,000 में हो गया। बोला बाहर 3,00,000 में भी नहीं बनता है, ठेकेदार के पास 30,000 में कैसे बन गया। बोले ये पागल सारी रोड़ी लाते हैं, कूटते हैं, पत्थर लगाते हैं, बस बाहर से सिर्फ रोलर मंगाते हैं। जाके देखता है एक आदमी के हाथ में 2 कटोरे हैं और भोजन ले रहा। बोला 2 किसका लेता है। बोला एक मेरा बीमार है खोली में। पत्रकार कहता है 3,00,000 की चीज़ 3,000 में बनती है, दूसरे के लिए खाना ले जा रहा है, ये पागल तो नहीं लगते, ये बुद्धिमान लगते हैं। फिर सोचता है ऐसे लगता है कि पागल इतने ज़्यादा हो गए, बाहर निकल गए, कुछ अच्छे आदमी को अंदर बंद करके सब पागल बाहर चले गए, अंदर सिर्फ 5-7 बुद्धिमान बच्चे। भाई ऐसा काम तो बाहर नहीं हो सकता है। तो असल में मानवता ही चली गई है, पशुता चारों ओर से दिखाई दे रही है। ये तो बड़े बुद्धिमान मानस थे इतने जो भगवान की सेवा में लगे, तो वो तो वन मानस थे। तो आज सुग्रीव कहता है हम तो नीच जाति के वन मानस, वन में गिरिवासी हैं, आप मित्रता कर रहे हैं ये हमारा भाग्य है, आइए हम आपसे मित्रता का हाथ मिलाते हैं। अग्नि का जलाया है, यहाँ सबरी के पास आते अरण्य कांड खत्म होता है, यहाँ से किष्कंधा कांड शुरू हो गया। जैसे हनुमान आया है किष्कंधा कांड शुरू हो गया है। अब किष्कंधा कांड में हम चल रहे हैं, अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा के जैसे विवाह होता है, हाथ हाथ में देती है, पति पत्नी तो सारी उम्र के लिए साथ होता है, ऐसे मैत्री दोनों की बनी है। और उस वक्त राम जी कहते हैं कि इस तरीके से हमसे आपसे मैत्री की है, सीता की खोज में निकले। सुग्रीव कहता है वो ले क्या हूँ आभूषण जो ऊपर से जाते हुए फेंके थे, खोल के कहते हैं ये ऊपर से हमने देखा कोई स्त्री चिल्लाती हुई ये फेंका था। राम जी कहते हैं देखो तो लक्ष्मण। लक्ष्मण कहता है कानों के कुंडल तो नहीं पहचान सकता, गले का हार हाथों के नहीं, चरणों के ये नुपुर में पहचानता हूँ, ये माँ बाबी के मैं रोज़ प्रणाम करता था, इससे ऊपर तो मैंने देखा तक नहीं है। भगवान तो उनको देख के फिर सीता की याद आ गई है। तब सुग्रीव कहता है मैं आपको वचन देता हूँ श्री राम, कहीं भी इस धरती के ऊपर सीता होगी तो मैं खोज के निकालूंगा, मैं आपको ये वचन देता हूँ, मेरी वानर सेना जाएगी। उस वक्त राम जी ने सुग्रीव को गले लगा के कहा सुग्रीव मैं बहुत आश्वासन आपने दिया है, अब मुझे बताइए मैं आपका क्या हित करूं। उस वक्त सुग्रीव कहता है मेरा हाल भी ये है कि मेरे भाई, एक दिन हम दोनों भाई बाली और हम साथ रहते थे, एक मायावी राक्षस ने आके ललकारा, हम दोनों लड़ने के लिए गए, मायावी राक्षस गुफा में चला गया, बाली ने कहा तुम बाहर खड़े हो, 1 साल तक बाली बाहर नहीं आया, खून का बाहर, जब खून की धारा निकली मैं डर गया कहीं बली मर गया होगा, मैं एक बड़ा पत्थर गुफा के ऊपर रख के आ गया घर, मैं आके घर में बैठा, बाली पीछे आया और आते ही मेरे को मारना शुरू किया कि तुम मेरे को मारने के लिए छोड़ के आए थे। मैंने बहुत कहा कि भैया मैं डर के मारे इसके करके आया हूँ, लेकिन उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया रोमा को, और मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे भगा, मैं भागता भागता पूरे ब्रह्मांड में छुपता फिरा हूँ। ये जो आश्रम है ऋषि मतंग का, यहाँ बाली आ नहीं सकता है, उसको श्राप है, उसने एक मायावी धुंधी राक्षस को फेंका था और खून के छींटे यहाँ पड़े थे रक्त के। ऋषि ने कहा बाली कभी यहाँ आया तो तेरे प्राण निकल जाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। राम कहता है आप भी पत्नी से बिछड़े हो, श्रीहीन हो, लक आपकी राजधानी भी चली गई है, पहले मैं आपका हित करना चाहता हूँ। तब सुग्रीव परीक्षा लेना चाहता है, बोला बाली मेरा भाई बहुत वीर है, उससे वो उतना बड़ा एक आया था राक्षस, उसकी हड्डियां दिखाई जो कई किलोमीटर में पड़ी थी, बोला ये राक्षस यहाँ आया था, बाली ने ऐसे उठा के घुमाया था, राम जी ने सिर्फ उसको पाँव के अंगूठे से ऐसे धक्का दिया, दूर जाके वो गिरा। सुग्रीव कहता है आपने बड़ा पराक्रम दिखाया, लेकिन उस वक्त ये असुर के ऊपर मांस था, चमड़ी थी, इससे 10 गुना ज्यादा भार था, अभी भी परीक्षा देनी पड़ेगी। भगवान कितने दयालु हैं, अपनी मित्रता की परीक्षा देने के लिए ये 7 साल के पेड़ है, 1 बाण से आप भेद दीजिए। राम जी ने 1 बाण से 7 पेड़ों को भेदा, अब तो सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मेरी रक्षा कर सकता है। अब कहते हैं आप बलि को मरा हुआ समझिए, जाइए ललकारिए बाली को। सुग्रीव ने जाके किष्कंधा के दरवाजे पे बाली को ललकारा है, बाली बाहर आया है, दोनों में युद्ध हुआ है। थोड़ी देर के बाद सुग्रीव घायल हुआ, घायल हुआ तो देखा कुछ हो नहीं रहा है, भागा वापस आया, राम जी को कहा आपको ऐसे मुझे मरवाना था तो भेजा क्यों, देखो मेरी हालत कैसी हो गई है। राम जी कहता है मित्र क्रोध मत करो, बस हमारी समस्या ये, तुम दोनों भाई इतने एक जैसे लगते हो कि उस वक्त मुझे ये नहीं पता कि बाली कौन सुग्रीव को, और मैं बाण चलाऊं और तुम्हें लग जाए तो अहित हो जाएगा। लक्ष्मण
वो गजमुखी फूलों की माला लाओ, बाली के गले में पहला आप सुग्रीव के गले में पहना दो, सुग्रीव तुम इस बार जाके ललकारो। बोला मैं जाता हूँ लेकिन इस बार रिस्क उठाता हूँ, अभी मुझे मालूम है बाली को ये वरदान है, उसके सामने जाने वाले का आधा बल ही गुम हो जाता है। सुग्रीव ने दोबारा ललकारा है, बाली उठा तो उसकी पत्नी तारा ने कहा ये दोबारा सुग्रीव अपने आप अकेला नहीं आ सकता, इस हमने गंगत ने बताया है दो सूरवीर अयोध्या नरेश के पुत्रों के साथ मैत्री हो गई है, सुग्रीव की आपके हित में नहीं है, आपका भाई है उसकी पत्नी दे दीजिए, मैत्री कर ली सुग्रीव, अपना भाई है सुग्रीव उसको गले लगा लिए, दो बड़े वीर भी आपके मित्र बन जाएंगे। बाली कहता है उनका मैंने बिगाड़ा कुछ नहीं है, वो मुझे क्यों मारेंगे, वो तो अधर्म धर्म अधर्म का काम कर ही नहीं सकते हैं, बाकी सुग्रीव मैं नहीं छोड़ूंगा। तारा बाहर तक आई, तारा को कहा नहीं तुम वापस जाओ, आज तो सुग्रीव आज तो बाली के सर के ऊपर मृत्यु सवार था, उसका समय पूरा हो चुका था। बाहर आया, दोनों में लड़ाई शुरू हुई, भगवान ने देखा सुग्रीव कमजोर पड़ रहा है, बाण को पेड़ के पीछे से ऐसे सुग्रीव के छाती में बाली की छाती में बाण लगा, बाली धरती के ऊपर धराशायी हुआ। वाल्मीकि जी लिखता है सोने की माला गले में जो स्वर्ण पड़ी हुई है बाली की, दी हुई इंद्र की चमक रही है, बाण राम जी का चमक रहा है, लगता है कोई देवता नीचे गिरा हो। और उस वक्त बाली ने कहा दशरथ नंदन राम आपने अधर्म का कार्य क्यों किया, आपने छुप के मेरे ऊपर बाण क्यों चलाया, आपका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, आप सामने आके ललकार के लड़ते और फिर सीता के खोज के लिए आपने मेरे को मारा, इस रावण को मैं गले में रस्सी डाल के सीता के साथ आपके पांव में ला के डाल सकता था। ये बोल के जब बाली समाप्त किया तो राम जी ने कहा इस वक्त अयोध्या के ऊपर भरत राज कर रहे हैं और हम उनके भाई दो राम और लक्ष्मण यहां अराजकता को मिटाने के लिए घूम रहे हैं और आप अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती लेके राज कर रहे हो, क्या ये धर्म है, और फिर हम क्षत्रिय हैं और आप वानर हो, पीछे से मृगया करने के लिए पेड़ के नीचे से हमारा धर्म है, हमने आपको अधर्म से नहीं धर्म की नीति से मारा है और आपने अधर्म किया था, अपने भाई की पत्नी को हरण किया था, भाई को दुख दिया था। बाली निरुत्तर हो गया, ये बहुत वार्ता उनकी बड़ी लंबी वार्ता है, लेकिन बाली कहता है ये सब ठीक है मैं मानता हूँ, अब बस राम जी एक मेरी प्रार्थना है, मेरी पत्नी तारा सती है, वैसे सतियों में नाम तारा का आता है और मंदोदरी का भी आता है, सती ये सती पतियाँ दोनों को सती कही जाती है, द्रौपदी को भी सती कहते हैं, ये द्रौपदी कुंती तारा और मंदोदरी और अहिल्या ये सब कुमारियों में आती हैं, सवाय पति के इन्होंने किसी की तरफ देखा नहीं, ये शास्त्र का वर्णन है। आज तारा बहुत धर्म गए है, उसका ध्यान रखना और मेरा पुत्र अभी तक अंगद बहुत छोटा है, ये दोनों राम जी मैं कहता हूँ सुग्रीव से आप कहिए इन दोनों का ध्यान रखे। इतनी देर में तारा भी आके वहाँ विलाप करने लगती है, जो विलाप के ऊपर हम ज़्यादा वर्णन नहीं करते, बहुत रामायण में विलाप उसका लिखा है, पति देव मैंने आपको कहा था अब मैं जी के क्या करूँगे, राम जी वही बाण एक मेरे को भी मार दीजिए। उस वक्त बाली ने अपनी माला निकाली के माला ये स्वर्ण की मेरी इंद्र की दी हुई लीजिए, सुग्रीव तुम गले में धारण कीजिए और अंगद का हाथ में आपको देता हूँ। उस वक्त तो सुग्रीव के हृदय से भी वैर चला गया और भाई को रोने लगा और राम जी को कहा अब मेरे को भी जीने की इच्छा नहीं है। राम जी ने कहा अब आप रोना धोना बंद करो, हनुमान ने समझाया अभी आप अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अंगद इसकी युवराज पद पे अंगद को घोषित कर दो और सुग्रीव आप जाके किष्कंधा के राजा बनो और इस वक्त बरसात की ऋतु आने वाली है, हम यहाँ प्रसव पर्वत के ऊपर रहेंगे, उसके बाद आप सीता की खोज करना। अब सुग्रीव का राज तिलक करने के लिए राम जी वन नहीं गए क्योंकि हम तो वन में रहेंगे, युवराज पद भी हो गया, बरसात ऋतु चली गई, सुग्रीव मौज मनाने में लग गया
हनुमान ने एक दिन जाके कहा, आपने वचन दिया है राम जी को, बोला सबको युद्धपतियों को बुला लो और सब वानर सेना यहाँ आ जाए, 15 दिन में पहुँच जाए, और जो नहीं आएगा उसको मृत्यु दंड देंगे। फिर वापस महल में चला गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, कामी को, क्रोधी को, ब्राह्मण हत्यारे को, गौ हत्यारे को, चोर को प्राक्षत करने के लिए कोई वेद में, शास्त्र में नियम है, लेकिन कृतघ्न के लिए कुछ भी नहीं है। भला किया और उसको भूल जाए, उसके लिए कोई प्राश्चित नहीं है। ये सुग्रीव कृतघ्न हो गया है, अपने इतना उपकार किया है, आज तुम जाओ उसको जाके जगाओ और कहो कि जो रास्ते से बाली गया है वो रास्ता बंद नहीं हुआ है। लक्ष्मण को क्रोध आया, बोला अभी जाके मैं किस कंधा को ही भस्म कर दूंगा। राम जी ने कहा, अपना मित्र है, मारना नहीं है, केवल उसको सावधान करना है। लक्ष्मण को फिर भी क्रोध है। लक्ष्मण किष्कंधा की गुफा पे गेट पे जाते हैं, बड़े बड़े वानर कांप के उसको देख के गए हैं, अंगद को देखा है, तो लक्ष्मण के हृदय में वात्सल्य आ गया है। उसने शब्द सुने थे बाली के, अंगद को कहता है, बेटा सुग्रीव को बोलो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। अंगद अंदर बोलने के लिए चला गया। सुग्रीव सुना के लक्ष्मण आया है, कांपने लगा। तारा, तुम जाके पहले उसको शांत करो, फिर मैं उससे बात करूँगा। तारा को भेजने से बड़ा मनोविज्ञान है, स्त्री को देख के वात्सल्य भाव की उत्पत्ति होती है, तो रौद्र जो क्रोध है वो चला जाता है। तारा ने कहा, आइए आइए सुमंत्रा नंदन, आपका स्वागत है। महाराज सुग्रीव ने सारी सेना को बुलाने की तैयारी कर दी है। इतनी देर में सुग्रीव ने आपके प्रणाम होके खड़ा हो गया। अभी तो क्रोध में लक्ष्मण कहते हैं, आप इतने भोग विलास में फंस गए हो कि राम जी के काम में आपने विलंब कर दिया। उस वक्त तारा ने कहा कि ये महाराज हैं किष्कंधा के, आपको अपमान के शब्द इनको नहीं कहने चाहिए। सुग्रीव ने कहा, मैं वानर ही ठहरा, क्या कर सकता हूँ, मैं भोग विलास में फंस गया, मुझे देर हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। अब तो लक्ष्मण कहता है, मैंने आपको अपशब्द कहे हैं, मुझे क्षमा कीजिए। और यहाँ से सुग्रीव को लेके राम जी के पास आते हैं। राम जी को सुग्रीव प्रणाम करता है। तब तक तो सारे वानर 15 दिन में आ गए हैं और बाहर निकल के देखते हैं जैसे वानरों का समुद्र है, लाल पीले ये रीछ वानर, इतने सारे युद्धपति आ गए हैं। उनको देख के चारों ओर से असंख्य वानर आ गए हैं। और उस वक्त सुग्रीव 4 युद्ध बनाता है, 4 दिशाओं में भेजता है। दक्षिण दिशा में जाने वालों का लीडर को अंगद को बनाया है, जामवन साथ में और हनुमान को साथ दिया है। 1 महीने के अंदर पता लगा के वापस आओ, हर जगह का रास्ता बताया है। राम जी कहते हैं, आपको ये सब जगहों का पता कैसे है? सुग्रीव, आप तो भूगोल को ठीक जानते हो। बोला, बाली के भय में मैं पूरी धरती के ऊपर घूमा हूँ, इसलिए एक भी जगह ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं देखी है, तो मैं तो अच्छी तरह से हर जगह को जानता हूँ। और हनुमान को जाते हुए देखे सुग्रीव कहता है, हे पवन सुत, ये कार्य आपसे सिद्ध होगा, आप बलवान वीर हो। राम जी ने सुना, हनुमान को देखा, हनुमान को कहा, हनुमान सीता मिल जाए तो ये अंगूठी राम लिखा हुआ उसको दोगे तो आपको पहचान जाएगी। राम जी ने हनुमान को अंगूठी दी। 3 दिशाओं के वानर तो 1 महीने में वापस आए, उनको सीता मिली नहीं। ये जो हनुमान, अंगद और जामवन वाला, ये तो विंध्या पर्वत में बेचारों को न फल मिले न फूल मिले, भूखे प्यासे अब तो प्राण निकल रहे हैं, महीना पूरा हो रहा है, कुछ हरियाली दिखी, अंदर चला गया हनुमान। बोला, इसके अंदर कुछ लगता है, पानी है, पक्षी निकल रहे हैं, लेकिन अंधकार है। एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे आगे हनुमान जी चल रहे हैं, पीछे जामवन, बीच में सारे अंगद, बीच में काफ़ी दूर जाने के अंदर प्रकाश दिखाई दिया, फल फूल दिखाई दिए, सरोवर दिखाई दिया, आश्चर्य लगा। अंदर जाके बोला, भूखे हैं, लेकिन सामने एक स्त्री को देखा, बड़ी तपस्विनी थी। हाथ जोड़ के हनुमान कहता है, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम राम जी के दूत हैं, हम इस तरीके से भूखे प्यासे सीता को ढूंढ रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, पहले तो हम पानी पी के जलपान कर लेंगे। उसने कहा, जलपान कर लीजिए। फिर अपना परिचय दिया, मेरा नाम सुप्रभा है, मैं यहाँ हेमा अप्सरा रहती थी जिसके लिए माया दानव ने ये बनाया था। इंद्र क्रोधित हो गया तो माया दानव को मार दिया, अब तो मैं इसकी सुरक्षा के लिए रहती हूँ, आप जल्दी करो, खा लो, यहाँ कोई आता है वापस नहीं जा सकता है। हनुमान जी ने कहा, जहाँ से हम आए हैं वापस भी हम चले जाएंगे, लेकिन माता आप कृपा करके बताओ जाएं कहाँ से। बोला, नहीं, आप राम के दूत, तो आँखें सब बंद कर दो। आँखें सब ने बंद की दी, और जैसे आँखें खोलते हैं तो पुरी और रामेश्वर के बीच वाला जो समुद्र का तट है, यहाँ बाहर निकल आए हैं सब के सब। और समुद्र को देख के फिर वानर कहते हैं, अब तो धरती का अंत आ गया, यहाँ तो समुद्र है, अब आगे कहाँ जाएंगे। तो एक तो उठ के कहता है वानर कि वापस चलो, गुफा में खाने पीने के लिए तो कुछ है और बच भी जाएंगे। तब हनुमान कहते हैं, गलती मत कर, जहाँ इंद्र यहाँ आके
मैं को मार सकता है तो लक्ष्मण के पेने बाण यहां भी आके हमको ढूंढ लेंगे, इसलिए सीता को ढूंढना है, अंदर घुसना नहीं है। अंगद ने कहा नहीं नहीं, फिर यहां बैठते हैं, लेकिन अब कुछ घास बिठाओ, तपस्या करें, उधर जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, सीता तो मिली नहीं है। ये जैसे बैठे हैं तो एक लंबा हाथ बाहर निकला, बड़ा पंजा ऐसे बाहर निकला और अंदर से आवाज आया, हे भगवान कितने कृपालु हो, मैं चल नहीं सकता हूं, एक के बजाय ये तो 25-50 वानर मेरे को भोजन में दे दिए हैं। वैसे हाथ लंबा करके बाहर किया, अभी तो सारे वानर कहते हैं एक तरफ भूखे प्यासे मर रहे हैं, फिर ये हमको मारने के लिए आया। उसने कहा मेरा नाम संपाति है और मैं गीध हूँ, मेरे पंख जल गए हैं, बस जहाँ जो आता है उसको खा लेता हूँ। इतनी देर में हनुमान कहते हैं अरे एक तो जटायु था जिसने राम के लिए सेवा करते हुए प्राण दे दिया, और एक ये गीध है जो रावण के भक्तों को खाता है। ये सुन के संपाति कहता है जटायु, अरे वो तो मेरा छोटा भाई था, उसके साथ मैं गया था, तब तो मेरे पर जले थे, उसको मैंने सूर्य के प्रकाश से बचाया, मेरे पर जल गए थे। जटायु मुझे जटायु का समाचार सुनाओ, और मेरे को ऋषियों ने कहा था कि जटायु का जब समाचार मिले, राम के दूत वानर मिले और वो मेरे को समुद्र में स्नान कराएंगे तो मेरे पर आ जाएंगे, और मैं फिर आपको सीता का समाचार भी बता दूंगा। मुझे वानरों उठाओ समुद्र के पास ले चलो। वानर बोले तो अभी तो खाने की बात कर रहा था, अब उठाने की बात कर रहा है, नज़दीक कौन जाए। हनुमान ने कहा ना ये सत्य बोल रहा है, जो जटायु का भाई हो सकता है वो राम का सेवकों का अहित नहीं कर सकता है। सबने उठाया, समुद्र में स्नान कराया, स्नान करते ही कहा अशोक वाटिका में नहीं, सामने लंका में सीता है, अब ये समुद्र पार जो कर सकता है वो सीता का पता लगा सकता है, और मेरे बेटे ने कहा था कि रावण यहीं से ले गया है, ये तो मैं देख रहा हूं। और ये भी कह दिया कि इस रावण को उसके पीठ पे मेरे पंजे के निशान है, जाके देखना कभी आपको हाथ आ जाए तो। हनुमान जी उसको तो मैंने पकड़ के पंजा मारा था, तब मेरे से मैत्री करके चला गया था। आगे आएगा उत्तर रामायण में, राम जी पूछते हैं तो कि राम किसी ने रावण को हराया भी था कि नहीं। बोला बाली ने तो कांख में दबाया था और एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक कूद गए थे। बाली एक बार किष्कंधा में एक बार रावण आया, बोला बाली से युद्ध करना है, पूछा बाली कहाँ है, बोला बाली समुद्र के किनारे संध्या वंदन करने गया, पीछे से छुपते हुए रावण जा रहा था, पीछे बाली से पकड़ लूंगा। बाली ऐसे पानी जल लिया है हाथ में, सीधे हाथ से तो पूजा कर रहा है, ऐसे पीछे हाथ से ऐसे आते हुए रावण को पकड़ के ऐसे कांख में दबाया और ऐसे कूदा और दूसरे समुद्र के किनारे, तीसरे समुद्र के किनारे, तीन त्रिवेणी समुद्र का हाथ तृपण करके फिर उतरा, तब ऐसे करके जैसे मच्छर उतारते हैं रावण को नीचे फेंका। और ऐसे जब रावण को फेंका तो रावण ने बोला इसको युद्ध नहीं करनी, हमसे मैत्री कर लो, हम अपने दोस्त बन जाते हैं। बाल ने कहा ठीक है जाओ लंका में जाओ। अब बोला एक बार रावण घूमता हुआ महेशमती नदी के किनारे के ऊपर बैठा था अपना, से बाहर शिवलिंग लगाए पूजा करने के लिए, वो सहस्र हजार बाजू वाला अर्जुन, जो सहस्र अर्जुन है, वो तो मस्म नदी में नहा रहा था अपनी रानियों के साथ, उसने हाथों को ऐसे दस को रखा तो जैसे सेतु बंद गई, और सेतु क्या बंद, ये पूरा बांध बंद गया, पानी ऐसे पीछे आया सारा बहा के चला गया। हनुमान की अपने रावण की पूजा की सामग्री, रावण उधर लड़ने के लिए गया, अभी तो सहस्र बाहु अंदर से नहा के निकला था, ऐसे पकड़ के रावण को बांध के लाके घर में बंदी बना दिया। पुलस्त ऋषि उसका नाना आया रावण का, ओ दादा पुलस्त का इस मेरे पोते को छोड़ दो अभी महाराज, तब तो ऐसे तो दो तीन बार रावण बंद चुका है, रावण को हराने वाले भी मिले थे, तो यहाँ अपन बात कर रहे थे। उस वक्त सब ने कहा अब समुद्र कैसे लांघेंगे, तो किसी ने कहा 50 योजन 100 योजन की बात चल रही थी, तो जामवन ने कहा मैं तो कई बार इसको लांघ सकता था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो तो ब्रह्मा जी का पुत्र, ब्रह्मा जी के साथ पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी के गाल के ऊपर पसीना हुआ, पसीना ऐसे नीचे उतारा तो उसमें से जामवन जी पैदा हो गए, और जामवन जी ब्रह्मा जी की उम्र के बराबर है। कई रामायण है उसने पहले देखी है, कई बार राम जी के ये लीला हुई है थोड़ी सी अंतर से। तब जामवन ने कहा, हनुमान चुप करके बैठे हैं, जामवन ने कहा बजरंगबली तू उठो, ये काम तेरे से होगा और कोई नहीं करेगा, अंगद 100 योजन जा सकता है, आ भी सकता है, लेकिन हमारा नेता है उसको नहीं भेज सकते। हनुमान अब उठ के खड़े हुए हैं कि आप सब, इसको कहते हैं वैष्णव, अपने लिए कभी नहीं कहता है मैं ये कर लूँगा, जब सब साधु उसको आशीर्वाद देते हैं तो भगवान के काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। हनुमान उठ के कहते हैं, अपना विकराल रूप ऐसे धारण करके कहते हैं, अभी मैं जाऊँगा यहाँ से, सीता का पता लेके आऊँगा, मेरे को विश्वास है, आप यहीं रुकना, कोई जाना मत।
क्योंकि हम सब साथ ये समाचार देंगे। अकेला श्रेय भक्त नहीं लेता है, भक्त अपने भक्तों के संग में ये काम करना चाहता है। महेंद्र पर्वत की चोटी के ऊपर चढ़े हैं, यहाँ से सुंदर कांड शुरू होता है, यहाँ किष्कंधा कांड समाप्त होता है। ऊपर चढ़ के राम का ध्यान किया है और जैसे राम तर्क कमान से बाण निकलता है, ऐसे हनुमान जी तैयार होकर जैसे दबाते हैं पर्वत को, पर्वत के अंदर से नए झरने निकल गए, पेड़ इधर से उधर उखड़ गए, कूदे हैं तो पीछे हवा के साथ कई पेड़ समुद्र में गिरे हैं, आकाश मार्ग में उड़े हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग में चले गए उड़ने के लिए। ये अलग एक मार्ग होता है जिसके ऊपर देवता लोग जाते हैं। गत साल हम निर्जल एकादशी को एक लेंस डाउन आर्मी का कैंप है हिमालय में, वहाँ रुके हुए थे। आर्मी के एक बंगले में बाहर लिखा था प्लेग के ऊपर कि यहाँ जब लेंस डाउन ने अपना एक बंगला बनाया तो दूसरा माला जब बना रहा था तो कुछ देवताओं ने आके कहा यहाँ से हमारा बद्रीनाथ जाने का मार्ग है, आप दूसरा महला मत बनाइए, हमारे रास्ते में रुकावट होती है। उसने माना नहीं, उसने जैसे दूसरे माले को तैयार किया उसके आंखों से अंधा हो गया और वो रहा नहीं। उसने ये फिर अपना बंगला उस वक्त इंजीनियरिंग कोर को आर्मी को बेच दिया। ये वहाँ लिखा है इतने हजार रुपये में ये बंगला बेचा और लिखा है कि देवताओं के जाने का रास्ता बद्रीनाथ का यहाँ से। अभी भी कि देवताओं के अपने जाने के रास्ते हैं ऊपर से, हमको पता नहीं है क्यों, हम जानते नहीं हैं। तो हनुमान उस रास्ते से जैसे ऊपर उड़ रहा है तेज, तो समुद्र देवता ने कहा, सगर महाराज ने हम समुद्र को विशाल बनाया और ये सगर वंश के राम जी की सेवा में जा रहा है। मिनाक पर्वत सोने का अंदर था, उसको कहा उठो जरा हनुमान के लिए सहायता के लिए विश्राम की जगह बनाओ, कुछ फल फूल दे दो, बहुत लंबा सफर है, हनुमान की सेवा करो। आज मिनाक बाहर निकल के हाथ जोड़ के मानव का रूप धारण करके कहता है हनुमान जी थोड़ा विश्राम कीजिए, फल फूल खा लीजिए, आपके पिता ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की थी, उपकार किया था, जब वज्र से इंद्र पर काट रहे थे तब मेरे को समुद्र में धकेल दिया था हवा ने, आपके वायु पिता ने, इसलिए आप अब मेरा कुछ आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। हनुमान जी ने हाथ लगा के कहा मैंने आपका आतिथ्य स्वीकार किया, मैं विश्राम नहीं करूंगा, राम के काम में विश्राम नहीं होता है, देर हो रही है, भक्त वहां इंतजार कर रहे हैं मेरे को जल्दी जाना है। आगे हनुमान आगे उड़े, देवता कहते हैं बल तो बहुत ज्यादा है, बुद्धि का तो परिचय थोड़ा ले लेते हैं। नाग सांपों की माता सुरसा को कहा तुम जाओ रास्ते में खड़ी हो जाओ, और सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो गई। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है मेरे रास्ते में आने वाला मेरे मुंह में जाएगा। हनुमान कहता है माँ मैं आपके मुंह में 10 बार जाऊंगा लेकिन सीता का पता लेके राम को बता के फिर। बोला वापस कोई नहीं आता है, अभी जाना पड़ेगा। बोला अभी कैसे जाऊं, मैं इतना बड़ा तेरा मुंह थे, इतना छोटा तेरा ये मुंह है। सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान ने डबल किया, ये हम जानते हैं। हनुमान छोटे होके अंदर जाके बाहर निकल आए। तीसरी छाया ग्रहणी सिंह का ने हनुमान की छाया को पकड़ लिया। हनुमान नीचे देखा मेरा उड़ना बंद क्यों हो गया, आगे बढ़ नहीं रहा हूँ। देखा तो नीचे वो मुंह खोला हुआ हनुमान को खाने के लिए नीचे खींच रही है। हनुमान सीधे उसके मुंह के अंदर चले गए, अंदर जाके उसकी दिल को चीर कैसे फाड़ा और फाड़ के फिर आकाश मार्ग से उड़े हैं। उड़ के सीधे जाके त्रिकूट पर्वत के ऊपर उतरे हैं। अभी उनकी लैंडिंग लंका में हो चुकी है। लंका का सारा चारों ओर से देख रहे हैं। देखने के बाद विचार किया जब शाम होगी, जब रात हो गई तो अब इसमें प्रवेश करें, थोड़ा छोटा रूप धारें। आए तो बड़े विराट रूप से तो समुद्र पार किया था, एक छोटे बिल्ली की साइज का रूप धारण किया और लंका में घुसने लगे तो लंका की वास्तु देवी ने कहा चोर अंदर कहाँ जा रहा है। हनुमान ने कहा चोर मैं चोर, चोर तेरा मालिक जो सीता को चुरा के आया, मैं कहाँ का चोर हूँ, मैं तो उसको ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन लंकनी ने हनुमान के ऊपर हाथ उठाया, हनुमान ने कहा स्त्री है तो सीधा हाथ नहीं उल्टे हाथ से ऐसे थोड़ा मारा तो नीचे गिरी, दो दांत गिरे, मुंह से खून निकला। कहता ब्रह्मा जी ने कहा था कभी वानर मेरे को पराजित कर ले इसका मतलब लंका का नाश होने वाला है, उठो बेटा। कहती है उठो बेटा जाओ, जाके सीता को ढूंढो, तेरा काम सफल होगा। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश किए हैं। सीता, अब हम हरे जपते हैं तो राधा होती है और राधा से हमारे को कृष्ण की सेवा मिलती है, तो भक्ति और सेवा कौन देता है, अंतरंग शक्ति देती है। हनुमान भक्त है और जा रहा है भक्ति लेने के लिए सीता के पास, तो रास्ते में ये चार बाधाएं जो आई हैं
ये भक्त के रास्ते की बाधाएं हैं। अब भक्ति करने जब लगते हैं तो पहले भोग सामने आके खड़ा होता है, आओ हमको भोग लो, आइए बैठिए खाइए, 56 भोग खाइए, 58 भोग खाइए। उसके अंदर फंस गए तो भक्ति हाथ नहीं आएगी। उसको हनुमान ने कैसे विजय प्राप्त की? त्याग से हाथ लगाया लेकिन भोग किया नहीं। तो भक्त के रास्ते में पहले भोग आता है, जो भोग में नहीं फंसेगा, त्याग करेगा, वो भगवान की भक्ति और सेवा प्राप्त करेगा। दूसरी सुरसा का मतलब क्या है? रस। वो रस तो बढ़ता ही रहता है, कभी कम होता नहीं है। संसार के रस में कहीं फंस गया तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा इसका अर्थ है, सिंह का इतनी बड़ी हुई है, समझो कि 10 योजन तो हनुमान 20, सुन तो 40, 80, तो ये इसको कहते हैं अहंकार। भक्ति में फिर क्या बीच में बाधा आती है? मैं 30 साल से भक्त हूँ, अभी तक मेरे को पूछते नहीं, तुम तो कल के भक्त हो, नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, ये मैं बड़ा तू बड़ा करना, ये सुरसा का माहौल बन जाता है। भक्ति में बड़ी बाधा है, इसके ऊपर कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे? छोटे बन जाओ। लघु बन गए हनुमान जी, अंदर चले गए। जो छोटा बन जाता है वो अहंकार जिसको नहीं है, इसलिए तृणादपि सुनिचे महाप्रभु ने कहा है, छोटे बन जाओ आपका रास्ता साफ हो जाएगा। सिंह का जो है छाया ग्रहणी, ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या का मतलब अच्छे आदमी में बुराई देखना, कालापन देखना। छाया काली होती है, हम दूसरे को पीछे से पकड़ के नीचे गिराना चाहते हैं। सिंह का ईर्ष्या है। और ये जो एनवी है, इसका इलाज सिर्फ ये है, ये तो दिल से निकाल के, इसको निकाल के तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगी। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे को ये दिव्य ज्ञान देता हूँ। ईर्ष्या दो जगह ही आया है कि, और ईर्ष्या कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, भक्ति में पीछे खींचती है। और ये लंकनी था, आप जब भक्त बनते हो ना तो आपके जो बंधु बांधव मित्र है वो आपको कहते हैं तुम खराब हो गए, तुम बिगड़ गए हो, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। बिगड़े तो हुए वो हैं जो शराब पीने जाते हैं, जो मंदिर में प्रसाद खाने आते हैं वो बिगड़े। कौन सा बिगड़ा हो बताओ? जो मंदिर रोज जाए वो बिगड़ा है, या जो बार में जाए वो बिगड़ा है? बोलिए जरा। हाँ, वो बार से आते हुए मंदिर से आते वाले को कहते तुम खराब जगह से आते हो, कहाँ गए थे? लंकनी की तरह हुआ कि नहीं हुआ? अरे चोर रावण है तो बोलते हैं कि चोर हनुमान है। तो गलत काम करने वाले जबरदस्ती बोलते हैं तुम ये माला जपना छोड़ दो, अभी क्या उम्र है तुम्हारी भगवान की भक्ति करने की, तुम अभी तो अपना काम काज कर लो। तो तुमने सब काम किया, तुमको क्या मिला? क्या मिला? क्या पूछो उसे क्या मिला? उत्तर कुछ भी नहीं। तो ऐसे के लिए थोड़ा सा हाथ उल्टा देना पड़ेगा, तब वो कहेगा नहीं नहीं तुम अच्छे हो, नहीं नहीं अब जाओ अभी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए उसको सच कहना पड़ेगा कि तुम गलत हो, तुम्हारा काम ठीक नहीं है, मैं सीधे रास्ते पे हूँ। तो हनुमान जी ने सब महलों में जाके देखा तो सब शराब पी के धुत पड़े हुए। हनुमान जी देखा स्त्रियाँ, हनुमान मैं ब्रह्मचारी कहाँ देख रहा हूँ, कहीं मेरे मन में वासना तो नहीं? हनुमान नहीं, मैं सीता तो स्त्री, स्त्रियों में ढूंढना पड़ेगा। सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिला, बोला ऐसे भोग में तो कहीं नहीं मिला। तो फिर जब ढूंढते निराश होते हुए अशोक वाटिका में गया, बोला सुबह होते ही अगर सीता होगी तो जरूर सूर्य को प्रणाम करने जाएगी। सूर्य उगता है तो उसका स्वागत करने के लिए वेदों में आए कि उसका स्वागत करके जाते हैं, जैसे कोई मंत्री आता है कैसे बाहर खड़े होकर स्वागत करते हैं। ये तो रोज भगवान की आंख है जो हमको देखने के लिए ये आता है, तब हम दुनिया को देखते हैं। तो उसका स्वागत अगर हम नहीं करते हैं उठ के सुबह, तो ऐसे अपमान जैसा हो जाता है उसका। भाई कोई आपके घर में मंत्री आए और आप सोए हुए हो तो ये अच्छा लगता है क्या? तो भगवान साक्षात, ऐसे तो वेदों में लिखा है, सूर्य सुबह जब उगते हैं तो उषा, उससे पहले समय को उषा कहते हैं। उषा के समय में अपने रथ के अंदर उषा देवी धन धान्य सुख संपत्ति भगवान की भक्ति सब लेके निकलती है। जो उठ के खड़ा होता है उसको बांटती जाती है, और जैसे सूर्य उदय होता है उसके बाद ये सब बंद हो जाता है, उसके बाद उठने वाले को कुछ भी हाथ नहीं आता है। तो सवेल उठना, सूर्य को जरूर सीता उठ के प्रणाम करेगी। एक पेड़ के ऊपर बैठ गए हैं, सुबह हुई है, सीता ने प्रणाम किया है सूर्य को, विश्वास तो हो गया कि यही सीता है, लेकिन किससे पता तो करूं, थोड़ी देर चुप करके बैठे हैं ऊपर छोटे रूप में। इतनी देर में दूर से कहीं
कुछ स्त्रियों को आते हुए देखा, वो तो राक्षसरानी थी, इतनी बड़ी भयानक थी। थोड़ी देर के बाद वो आके डराने लगी। फिर रावण कुछ स्त्रियों के साथ आया वहाँ, देव स्त्रियाँ, गंधर्व स्त्रियों के साथ, सीता को आके बहुत सताने लगा, तुम मुझे स्वीकार कर लो। फिर भी सीता ने यही कहा कि मैं मर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे को कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तब बहुत क्रोध में रावण कहने लगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, पीछे जो स्त्रियां खड़ी थी देवताओं की, वो कह रही थी कुछ नहीं करेगा, तुम डरो मत। ऐसे वाल्मीकि जी ने लिखा है, मैं आश्चर्य से देखा, उसने बोला ऐसे कर रही थी, ये कुछ नहीं करेगा, ये काम ही है, हम इसको जानते हैं, आप चिंता मत करो। वो पीछे से उसका आश्वासन करा रही थी। रावण कह गया इसको सताओ, रावण वापस चला गया। ऊपर से हनुमान देखा स्त्रियां सताने के लिए आई। अब सीता कहती है इससे तो प्राण निकल जाए तो अच्छा है, आत्महत्या कर लूँ, कहीं रस्सी नहीं है, चोटी में बांध के करूँ, ऐसे विचार कर रही है। तब तक अच्छे शकुन होते हैं और विभीषण की बेटी त्रिजटा आके कहती है, ये राक्षसियों इसको सताओ मत, मैंने अभी स्वप्न देखा है, इसके पति देव आएंगे, लंका को नाश कर देंगे, उनका दूत एक वानर आया है और लंका को जला देगा। हनुमान कहता है ये तो मेरे प्लान में नहीं है। तो अच्छा आइडिया दिया, अच्छा आइडिया है, मैं तो बना के नहीं आया था, विचार मेरा आग का नहीं था, ये कह रही है तो उसका मतलब कुछ ये भी काम करके जाना है। और त्रिजटा ने कहा कि आप तो अब इसकी सेवा करके शरण लो, ये इतनी दयालु है, एक बार इसको शरण ले लोगे तो ये आपको क्षमा कर देगी। अब तो सारी भयभीत होके असुरी भाग गई वहाँ से, अकेली सीता बैठी है। तब रावण राम ऊपर हनुमान बैठ के राम कथा गाने शुरू कर दी, दशरथ जी के पुत्र इस तरीके से विवाह हुआ विश्वामित्र के काम करने से, फिर वनवास में निकल आए, वनवास में सीता को रावण हर के ले गया, सुग्रीव से मित्रता कर ली, राम जी ने अपना दूत भेजा है, बड़े प्रेम से कथा सुन रही है सीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन गा रहा है ये कथा। तब हनुमान नीचे उतरे, उसको देख के सीता पहले तो कहा कहीं माया का रूप ना हो, फिर कहा माँ मैं राम का दूत हूँ। बोला फिर बताओ राम और लक्ष्मण का रंग कैसा है, उसके अंग कैसे हैं। और बहुत सुंदर जब अंग का और रंग का वर्णन कर लिया, और तब हनुमान ने कहा करुणा निधान राम ने मुझे भेजा है। और ये करुणा निधान केवल कोड वर्ड था जो सीता राम को एकांत में कहा करती थी, और ये शब्द सुन के उसको विश्वास हो गया कि राम का दूत है। उस वक्त अंगूठी निकाल के दी, राम का नाम लिखा हुआ अंगूठी देख के सीता आनंदित हो गई। हनुमान ने कहा माँ अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब निश्चित रूप से पता लग गया और सुग्रीव के साथ बड़ी सेना है, लंका नाश समझ लो, लेकिन माँ मेरा दिल करता है मैं अभी आपको लेके राम जी के पास चलूँ, आप मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाओ, मैं अभी ले चलता हूँ। सीता कहती है बेटा तुम छोटे हो, हनुमान जरा बड़ा हो गया इतना बड़ा। बोला हाँ मुझे विश्वास है तू बेटा ले तो जा सकते हो, लेकिन पर पुरुष को अपनी इच्छा से छुआ नहीं है मैंने आज तक, तुम मेरा बेटा है लेकिन फिर भी ये उचित नहीं है, ऐसे जाना ठीक नहीं है, राम जी आए रावण का नाश करके मुझे ले जाए इसमें उनका यश होगा। ये तो सीता के मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है। इस तकलीफ में होते हुए भी सीता ने कहा बेटा तो जितना जल्दी हो सके राम जी को यहाँ बुलाने का प्रयास करो। कथाएं बताई सीता जी ने, समाचार दिया। हनुमान ने कहा वो विश्वास कैसे करेंगे मैं आपसे मिलाऊँ। उन्होंने अपनी चूड़ामणि दे दी कि ये मेरा है, ये उनके हाथ से उन्होंने मेरे को डाली थी विवाह के समय, ये उसको पहचानते हैं, ये ले लो। अब हनुमान ने कहा भूख बहुत लगी है मैया कुछ खा लूँ। बेटा देखो ये राक्षसों के पेड़ हैं, बहुत राक्षस यहाँ होते हैं, पेड़ पे चढ़ के मत खाना। बोला गिरा हुआ खाऊं? बोला गिरा हुआ फल खाएं? तो गिरा हुआ फल खाऊं क्या, सारे पेड़ों को ही गिरा देता हूं। गिरा हुआ ही खाना है ना, तो चढ़ तो ऊपर नहीं चढ़ता हूं, वो तो पेड़ उखाड़ने लगे। वो तो देवी वास्तु देवी का मंदिर था अशोक वाटिका में, वो मंदिर वंदर उखाड़ के पेड़ वेड़ गिराया, राक्षस दो चार पांच आया सबको मारा। वो जाम्बूली वहाँ शराब के अंदर, वो क्या एक आदमी कुछ शराब पीते हैं तो बोतल में गिलास में पीते हैं, ये तो शराब के डम में पड़ा होता था, वो तो अंदर ही ऐसे पीता था, कोई बोतल नहीं थी, उधर ही पड़ा होता था। उसको जाके जगाया कि वो देखो अपने अशोक वाटमक में कोई वानर आया है, उजाड़ रहा है। हाँ उठा उसको बाहर शराब से निकाला। वो जब बाहर निकला तो हनुमान को देखता है, हनुमान के वो घुटने जितना लग रहा है जामुली, राक्षस था हनुमान तो बड़ा विकराल रूप था। जामुली ने कहा यहाँ क्या कर रहा है? हनुमान दोनों कानों से ऐसे पकड़ के ऊपर, बोला देखो कौन हूँ तो बात करो मैं इससे।
ऐसे करके ऐसे घुमाया, घुमा के ऐसे पेड़ के ऊपर मारा, मर गया। फिर चार मंत्रियों के पुत्र आए, उनको मार दिया। फिर अक्षय कुमार बेटा आया रावण का, उससे युद्ध करते हुए हनुमान ने मार दिया। तब अंगद को भेजा और तब मेघनाथ आया, मेघनाथ ने युद्ध किया। मेघनाथ ने बोला ये ऐसे नहीं बन, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है। मेघनाथ ने कहा ब्रह्मास्त्र को चलाया, ब्रह्मास्त्र ने हनुमान को मार नहीं सकता है। ब्रह्मास्त्र हनुमान को ब्रह्मा जी का वरदान है कि मेरा अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हनुमान ने सम्मान किया, मन में कहा देखूं तो सही लंका में और क्या है, रावण है कैसा, उसकी शक्ल भी देख लूं, तो चुप हो गया। तब तक दूसरे राक्षसों ने रस्सियों से बांधा हनुमान को। मेघनाथ कहता रहे गलत काम कर रहे हैं, अगर कोई ब्रह्मास्त्र के बाद रस्सी बांधेगा तो ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा, और ये तो रस्सी तोड़ के भाग जाएगा, और दोबारा ब्रह्मास्त्र अभी चलाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन हनुमान चुप करके उस रस्सियों में बंध के बैठ गए। बोला इसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो मेघनाथ को नहीं थोका कि घर में ले गया इसको, ले जैसे ले गया रावण के सामने, कौन हो तुम? बोला मैं राम का दूत हूँ, आपका हितेशी हूँ, आप सीता को वापस भेज दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, लंका की रक्षा कर लीजिए। बोला क्या बोल रहा है भानर ये, इसको मार दो। विभीषण उठ के कहता है दूत को मारा नहीं जाता महाराज, बहुत समझाया रावण को, नहीं समझा, और रावण ने बोला मारना नहीं है तो इसकी पूंछ को आग लगा दो। फिर तो सारे कपड़े वपड़े तेल वेल लगाया, हनुमान जी बंधा हुआ बोला शहर में घुमाया, सब शहर को जब देख लिया तब रस्सियों को तोड़ा, ऊपर चढ़ के आग से चारों ओर लंका को आग लगा दी, आग लगा दी लंका को। तो उस वक्त सीता को बताया कि हनुमान की पूंछ में सब बांधों ने आग लगा दी। सीता कहती है मेरी तपस्या से हे अग्निदेव मेरे पुत्र हनुमान की पूंछ को जलाना मत। और वायुदेव ने वहाँ से कहा कि मेरे बेटे को कैसे आग जला सकती है, और राम का भक्त तो है ही। हनुमान देखता है कि ये कहते हैं आग लगाई है, ये तो मुझे कोई पीछे आइस किसने बांध दी है, उसको बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था अग्नि, उसको परेशान हो गया कि ये कहते हैं आग है, इनके घर जल रहे हैं और मैं तो जरा ठंडा ठंडा हूँ फर्स्ट क्लास। तो ये घुमाया अच्छी तरह से। जब रोचक कथाकार लिखते हैं कि कपड़े नहीं रहे दूसरे दिन राक्षसों को पहनने के लिए, सारी पूंछ पे बांध दिए। अब हनुमान पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में जाके कूदे, तब मन में भय लगा ये आग कहीं अशोक वाटिका में लगी हो, माँ सीता का जो काम के लिए आया था वो ना बिगड़ हो गया हो। तब मन में विचार आया ये मैं नहीं जला हूँ, ये सीता की कृपा है। वापस चला गया अशोक वाटिका में, प्रणाम किया, माँ सीता को सुरक्षित देखा। सीता ने कहा बेटा जल्दी जाओ, मैं रघुनाथ लक्ष्मण के साथ दर्शन करूंगी, तब मेरा हृदय का आनंद होगा। तुमको देख के बेटा मेरा आनंद, आधा आनंद तो मिल गया राम दूत देखकर, अब राम का और लक्ष्मण का दर्शन कराओ। अब हनुमान जी वापस कूदे हैं, और कूदते ही ऊपर से किलकारी कर रहे हैं। नीचे अंगद कहता है, जामवन कहता है इसको सीता मिल गई इसलिए इतना खुश आ रहा है। ऊपर से हनुमान उतरा बोला पता मिल गया, तो अंगद कहता है चलो आप अकेले गए थे अब सब चलते हैं, हम लंका को ही नाश करेंगे, सीता को लेके चलेंगे। भानरों को तो नौजवान था उसको तो बड़ा भा। तब जामवन कहता है दूत को उतना ही काम करना चाहिए जितना कहा जाए, अभी पहले समाचार राम जी को देंगे, जैसे आज्ञा करेंगे वैसे करेंगे। भागते हुए वहाँ तेजी से आ रहे हैं, किष्कंधा के बाहर एक बहुत सुंदर मधुबन है, वो मधुबन के अंदर बहुत सुंदर शहद है और वो सुग्रीव का पर्सनल है। अंगद अंदर घुस गया, सुग्रीव का बेटा उसकी रक्षा करता था, उसने बोला ये क्या कर रहे हो? बोला पीने दो। सब ने जाके दबा के मधु पिया, भागता हुआ वो गया और जाके कहा पिताजी पिताजी, वो सुग्रीव वो हनुमान जामवंत अपने आपके मधु के वन के अंदर पी रहे हैं। वो बड़ा खुश हो गए, सुग्रीव कहता हाँ हाँ इसका मतलब है सीता का पता लग गया, नहीं तो कभी हिम्मत करके वो मेरे वन में नहीं जाते, जल्दी उनको लेके आओ। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, वो अंगद भी उतना ही इस बागीचे का मालिक है जितना मैं हूँ, वो युवराज है, उससे तुम ना क्यों किया, तुम क्षमा मांगना। वापस भागते हुए आता है सुग्रीव का बेटा, आके कहता है आप जल्दी चलिए महाराज, सुग्रीव आपको बुला रहे हैं, मुझे क्षमा करना मैंने आपको रोका था, ये बाग आपका उतना है जितना मेरा है। अंगद अंगद ने उसको गले लगा लिया, अपने दोस्त को स्वीकार किया कि आपको यहाँ अगर रखा है तो मुझे आपसे आज्ञा मांगनी चाहिए थी। सुग्रीव पकड़ के हनुमान को सीधा राम जी के पास ले गया, सारे के सारे आए, अंगद ने समाचार दिया, जामवत बोला, राम जी ने बोला गया कौन था वो तो बताओ, मिला कौन सीता से? तब हनुमान हाथ जोड़ के कहता है आपके दास
ये चूड़ामणि सीता ने दी है, और सीता सीता के प्राण केवल राम राम जपने से बचे हुए हैं, बाकी वो आपके विरह में व्याकुल है और सती साध्वी तपस्या कर रही है, आपको तत्काल देखना चाहती है। उसने कहा, इंद्र का बेटा जयंत आया, उसने मेरे को सिर्फ पंजा निकाला, आपने एक घास में ब्रह्म अस्त्र डाला और उसको त्रिभुवन में कहीं जगह नहीं मिली, अभी तक रावण जीवित कैसे है मैं ये समझ नहीं सकती हूँ राम जी, और ये संदेश भी दिया है। अब तो राम जी उस चूड़ामणि को देखते हैं आंखों में आंसू, सीता और हनुमान को गले लगा लिया है कि हनुमान तुमने मुझे सीता का समाचार दिया है, अब यहाँ से आवाहन करो, सेना को तैयार करो, आगे चले, आगे आगे चलो, रास्ते में कहीं कोई पानी खराब न कर दे। आगे सारी सेना यहाँ से रवानी हुई है, समुद्र के तट के ऊपर आके पहुँचे हैं, यहाँ किष्कंधा कांड सेतु बंधने तक चलेगा, उसके बाद युद्ध कांड शुरू होगा। अब जब यहाँ आके पहुँचे हैं तो उस तरफ रावण को पता लगा कि ये मेरी लंका भी जल गई, ये सब बिगड़ गया, तो मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर सबने कहा, महाराज ये अकेला बांदर इतना कुछ करके गया, हम कहाँ रह गए थे, क्यों नहीं हम उसको पकड़ सके। तब विभीषण ने कहा, भैया ये अकेला वानर जब इतना कर सकता है तो वहाँ वानर अनगिनत हैं और उनके साथ राम जी हैं, और वानर को जो संभाल नहीं सकता, इतने वानरों को संभाला है, तो इसका मतलब उससे लड़ना उचित नहीं है, सीता वापस दे के सुख से अपनी लंका को बचा लो। तब तक तो दूसरे कहते हैं, ये कायर है, इसकी बात मत सुनो, राम आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। दोबारा जाके विभीषण ने कहा, अब विभीषण के ऊपर नाराज होकर कहता, तुम निकल जाओ यहां से, तुम्हारे मेरे घर में तुम्हारे जैसा कायर नहीं रहना चाहिए, तुम मेरा भाई हो, इसके ऊपर मेरे को शर्म आती है। तब हाथ जोड़ के विभीषण कहता है, अब मेरा प्रणाम है, ये लंका आपको मेरा प्रणाम है, अपनी माँ को प्रणाम किया और अपने चार मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से उड़ के आया है, और समुद्र के दूसरे पार सेना जहाँ बैठी आकाश में बैठ के कहता, राम मैं आपके शरण में हूँ। बहुत मीटिंग के बाद राम जी ने कहा, मैं इसको शरण में लेता हूँ, क्योंकि इसमें दोष है, रावण का भाई है, राक्षस है, कुछ भी है, मेरे को कहता है शरण में, मैंने शरण लिया, और पानी ला के इसको लंकेश बना दो, अब बोलो क्या करना है, आप मेरे मित्र हो, आपको लंका का राज दिया जाएगा। तब सुग्रीव कहता है, समुद्र पार करना है, समुद्र की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने कहा, अभी अभी मित्र बना है, पहला पहला हमारे को कोई राय दे रहा है, मशवरा दे रहा है, सलाह दे रहा है, परामर्श दे रहा है, तो इसकी आज्ञा मान लेते हैं, इसका सलाह मान लेते हैं। भगवान ने समुद्र देवता को हाथ जोड़ के कहा, रास्ता दे दो, दो दिन में समुद्र जागा नहीं। लक्ष्मण ने कहा, हनुमान जरा बाण लाना, तो ये समुद्र ऐसे नहीं सीखेगा। बाण को ऐसे उठाया है, समुद्र भयभीत होकर बाहर निकला, बोला महाराज हमको क्षमा कर देने, जलचर सारे थर 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 कांपने लगे, महाराज आप हमको सुखा सकते हैं। बोला मैं सुखा के इसके अंदर को सुखा के चला जाऊंगा? नहीं महाराज, मर्यादा को रखिए, आपके साथ ये जो नल है और नील है, इनको वरदान है, जो पत्थर डालेंगे वो पत्थर तैरते रहेंगे, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आप सेतु बनाइए और जाइए। समुद्र ने प्रणाम किया है और फिर बानरों के ये पत्थर लाने शुरू हो गए और सेतु बना, 10 योजन ऐसे और 100 योजन लंबा, बड़ा हाईवे जैसे बना है, ऊपर घास बास डाल के सुंदर सेतु बन गया है, और सेतु के ऊपर विभीषण दूसरे किनारे के ऊपर खड़े हो गए, अपने साथियों को ले जाके कोई सेतु को नुकसान न पहुंचाए। यहाँ से अंगद ने उठाया है लक्ष्मण को, हनुमान ने राम जी को अपने कंधे पे उठाया है, और ये पूरी बांदर वहनी सेना अब आके सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंची है। यहाँ किष्कंधा कांड समाप्त होता है और यहाँ से युद्ध कांड शुरू होता है। हरे कृष्ण। और युद्ध में क्या होगा? अब लंबा युद्ध कांड बहुत लंबा है, एक एक राक्षस को मारने के लिए बहुत समय लग जाएगा, वो पहले ही मर चुके, हमको कथा करनी है उसकी। अब इस सुबेल पर्वत पर जब ये पहुंचे हैं तो रावण ने अपने एक गुप्तचर शुक को वहां भेजा है कि तुम सुग्रीव को जाके कहो कि तुम्हारे से हमारी कोई शत्रुता तो है नहीं, तुम वापस चले जाओ, हमारे मित्र थे बाली, तुम उसके भाई हो, अब यहां से चले जाओ। वो तोता शुक जो है वो तोते के वेश में आके जब सुग्रीव से बात कर रहा है तो वानरों ने उसको पकड़ लिया, का ये गुप्तचर है, इसको मारो। सुग्रीव कहता है इसको पकड़ो, राम जी को कहता है मेरे प्राण की मेरे को रक्षा करो, मैं दूत हूँ, दूत को नहीं मारते। बोला दूत नहीं है, गुप्तचर है, ये सब समाचार लेने आया है। राम जी ने कहा तुम जाओ, जाके बता दो जो कुछ बताना। सुग्रीव ने कहा रावण को बोला है, तुम न दया के पात्र हो न मित्रता के पात्र हो, तुम केवल मृत्यु के पात्र हो, इसलिए तुम्हारे को मारने के बाद ही रामचंद्र का हम साथ साथ तब तक देंगे जब तक हमारे में जान है,
ये वापस जाके राम जी को कहता है, रावण को कहता है, महाराज पकड़ लिया था हमको, राम जी ने छुड़ा दिया, राम जी की जय हो। रावण बोलता है राम जी की जय हो, हमारे दरबार में राम ने राम जी की जय, बोला वो मार देते हमको, हम तो आपकी भाषण बोलने से पहले। बोले नहीं, तुम अभी सारी के साथ जाओ, वानर का वेश करके दोनों जाके सेना का बल देखने लगे। विभीषण ने दोनों को पकड़ लिया, पहचान लिया। राम जी ने कहा तुमने सब देखा या और कुछ देखा? अरे विभीषण इसको दिखा दो क्या क्या हमारे पास है, जाओ जाके रावण को बोलो कल हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। अब तो ये वापस जाके उधर जाते ही उतरते फिर बोला जय श्री राम। बोला ये क्या कह रहे हो? बोला विभीषण ने पकड़ लिया था, हम वानर बन के गए थे, पहचान भी लिया, फिर भी राम जी दयालु है, उन्होंने छोड़ दिया, कहा कि कल आक्रमण करेंगे। राम जी ने कहा एक रास्ता अभी भी संधि का है, अंगद तुम जाके एक बार कह दो कि सीता वापस दे दे, तो अभी भी हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, हम आपका विनाश नहीं करना चाहते हैं। अंगद ने जाके जब ये समाचार दिया तो रावण हंसने लगा, बोला इस बंदर को बोलो तुम काहे के लिए आए हो, चार जन बोले पकड़ लो इसको। चार वानरों ने अंगद को पकड़ने के लिए गए, अंदर चारों को उठा के आकाश में उठा, उठ के ऊपर से नीचे धड़ाम से चारों को फेंका, और ऊपर से रावण की छत जो ऊपर थी उसके ऊपर जाके पांव ऐसे जोर से मारा, छत टूट के नीचे गिरी। तुलसीकृत रामायण में लिखा है कि पांव नीचे रखा के मेरा हिलाओ, वो वर्णन रावण वाल्मीकि जी ने नहीं किया है, लेकिन वाल्मीकि जी रामायण में ये है कि अंगद ने वह चार सैनिकों को नीचे फेंका, ऊपर से छत के ऊपर लात मारी और कूदा सीधा वापस आके बोला ये सुधरने वाले नहीं है, कल से आक्रमण शुरू किया जाए। तब अब लंका के दुर्ग का वर्णन है, चार दुर्ग है बाहर से पानी का पूरा जा, जो एक बहुत बड़ा वो टनेल बनी हुई है कि कोई अंदर जा ना सके। एक अन्य स्थानों में लिखा है कि अब युद्ध शुरू नहीं हुआ है, ऊपर चढ़ के पर्वत पे सुग्रीव देखा है कि रावण बैठा है अपने महल के बाहर, ऐसे सुग्रीव को ऐसा क्रोध को या सीधा जंप मारा, ओ जाके रावण के आगे उधर खड़ा हुआ, खड़े होते ही रावण के मुंह पे ऊपर थूका सीधा, और थूकने के बाद लात मारी, लात मारी, रावण उठा तब तक एक जंप मार के वापस आ गया। वापस जो आया जी कहते ऐसा गलत काम क्यों किया, तुम इधर क्यों गए, तुम तो किसकंदा के राजा हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा तो मैं मित्र हो मेरे, ऐसे गलत काम मत करो मुझसे पूछ के जरा। बोलो मेरे को थूकने के लिए जगह नहीं थी। इतना अच्छा रावण मेरे को सामने दिखा। अब युद्ध जो परस्पर युद्ध हुआ है इसके अंदर सबका वर्णन न करके सिर्फ तीन ही विशेष वीरों का वर्णन, जो युद्ध भूमि में कैसे वीर गति को प्राप्त होते हैं, एक तो मेघनाथ, एक कुंभकर्ण और एक रावण, इसका वर्णन करेंगे। बाकी नाम इतने लंबे हैं, उतना अपने पास समय भी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर वर्णन है। पहले दिन युद्ध तो आपस में हुआ, राक्षस हार के चले गए, वानरों की जय हो गई। अब मेघनाथ ने क्या किया, सीता की छाया की सीता एक बना के और उसका गर्दन काटने काटा युद्ध भूमि के बीच में, हाय सीता करके राम और लक्ष्मण जैसे मूर्छित हो गए कि अब लड़के क्या करेंगे, सीता को ही मार दिया तो सब लोग ऐसे घबरा गए। उसको विभीषण का क्या हो गया, युद्ध नहीं कर रहे हैं, कहाँ है राम जी, क्या हुआ लक्ष्मण को? बोला अभी मेघनाथ ने सीता का गर्दन काटा है तो उनका प्राण निकल गए, वो तो जैसे गिर पड़े हैं। विभीषण ने जाके कहा श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी विभीषण कभी भी अंग मेघनाथ सीता का सर नहीं कर, मैं जानता हूँ रावण को उसके मन में क्या भाव है, ये छाया की सीता थी, ये छाया की सीता का छल करके मेघनाथ यहाँ से चला गया होगा, निकुम्बला देवी के मंदिर में चला गया, उसको विजय का यज्ञ करने के लिए चला गया है, आपको धोखे में रखना चाहता है। अब तो राम जी उठ गए, अब क्या करना चाहिए विभीषण तुम बोलो? बोले इस वक्त लक्ष्मण को मेरे साथ हनुमान के और सेना दे के भेजो, अगर अंगद अगर मेघनाथ को कुंबला देवी के मंदिर के यज्ञ पूरे करने से पहले नहीं उसके ऊपर विजय प्राप्त की लक्ष्मण ने तो फिर वो अजय हो जाएगा। राम जी ने बोला जल्दी करो जाओ। अब तो सारे के सारे हनुमान के साथ गए, हनुमान ने जाके ललकारा उठो उठो यज्ञ तुम्हारा बंद करो, तुम्हारा धर्म इस यज्ञ में आया है, पराई पत्नी चुरा के आते हो, ऐसे उठो मेरे से युद्ध करो। वो तो लक्ष्मण का और उनका घोर युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बीच में मेघनाथ कहता है चाचा तुमने ये सारा भेद इनको बताया, इनको क्या पता निकुम्बला देवी का मंदिर कहाँ है, इनको तुम यहाँ लाए हो हमारे घर का भेदी बने हो तब हमारा घर नाश हो रहा है।
तो कह रहा है विभीषण कि पराई स्त्री और पराए धन को चोरी करने वाले मित्र बंधु बांधव नहीं होते हैं, वो तो वध के योग्य होते हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ भैया भतीजा, कि तुम स्त्री की चोरी करके आए, पराया धन एक स्त्री नहीं कई स्त्रियां चोरी करके आए हैं और उनके लिए तुम रक्षा के लिए यज्ञ कर रहे हो। अब तो जो लक्ष्मण का और मेघनाथ का युद्ध हुआ है ये भी बहुत बड़ा अद्भुत रोमांचक है। सारे देवता आकाश में खड़े होकर देख रहे हैं और लक्ष्मण के एक बाण से जब मेघनाथ गिरा है तब तो हाहाकार मच गया। रावण को तो ये कभी विश्वास नहीं हो सकता था कि मेघनाथ का कभी वध हो सकता है जो इंद्र को जीत सकता था, और बहुत बली था। और जब ऋषि आए हैं राम के राज अभिषेक के बाद, तब अगस्त मुनि ने जब मेघनाथ की वीरता का वर्णन किया तो राम जी ने प्रश्न पूछा कि ऐसा अंगद में विशेषता क्या थी, ऐसी विशेषता क्या थी मेघनाथ में। तब अगस्त ऋषि कहते हैं उसको वरदान था कि जब तक कोई 14 साल का ब्रह्मचारी और जो कभी नहीं सोया हो उसके अलावा कोई नहीं मार सकता है, और ये एक लक्ष्मण ने इतनी बड़ी तपस्या की थी, नहीं तो ऐसा वीर कोई इस धरती के ऊपर है नहीं जो कभी सोया नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं बना हो। ये तो इसलिए हम आपका धन्यवाद करने आए हैं राम लक्ष्मण के, आपने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त असुरों को मारा है जो मारने का कोई उनके लिए साधन ही नहीं था। अब इस हालत में जाके कुंभकर्ण को जगाया है, उसके जगाने का वर्णन हम नहीं करते हैं। कुंभकर्ण उठने के बाद पहले ही पूछता है, मामा माल्यवान ने मना किया थी ना, नाना ने कहा था ना, विभीषण ने कहा ना पराई स्त्री लाए हो तुम अपने घर में, झगड़ा लाए हो ना, और मैंने भी आपको मना किया था ना, किसी की बात मानी, मंदोदरी भाभी की बात मानी। रावण तुमने काम तो इतना गलत किया है कि तुम लंका को नाश कर लेते हो, तुमने किसी भले आदमी की बात नहीं मानी, न नाना माल्यवान को माना, न भैया विभीषण को माना, न मंदोदरी भाभी को माना, हमने आपको कहा पराई स्त्री जो घर में लाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, पर अब क्या करूं मेरे भाई हो तुम्हारे ऊपर आपत्ति आती है, बस अब तुम रहो मैं जाता हूं लड़ने के लिए। विभीषण जब ये कुंभकर्ण जा रहा है तो राम जी कहते हैं, विभीषण ये चलता हुआ पर्वत है क्या है, आ क्या रहा है, इतना विशाल काया जैसे पर्वत है। आते ही उसने ऐसे दोनों हाथों से 15-20 ऐसे बांदर ऐसे पांव ऐसे करे 20-25 मूंगफली की तरह मुंह में डाल दे, और तो ऐसा उसने हालत कर दिया। वो हनुमान सामने गया, हनुमान ने एक दो लात मारी, हनुमान को भी पीछे पछाड़ दिया, बानरों को इधर से उधर मार दिया, सब आश्चर्यचकित हो गए, ये करेगा क्या। इतनी देर में सुग्रीव सामने से आया, सुग्रीव को उसने ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऐसे अपनी कांख में दबाया और समझा वो लंका की तरफ वापस जाने लगा। हनुमान कहता है इसको तो मारना चाहिए, हमारे राजा को ले जा रहा है। हनुमान पीछे से गया, हनुमान को पछाड़ दिया। जैसे लंका में प्रवेश किया तो लंका में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लंका इतनी एयर कंडीशन थी, सुग्रीव को जागृति हो गई, मुझे ठंडा था, पहले तो जाग गया तो बोला ये तो अंदर ले गया, कहाँ लंका में आ गया, ये तो मेरे को बंदी बना देंगे। सुग्रीव ऐसे उठते ही नाखूनों से नाक में दो नाखून नाक में डाला, जो कान को ऐसे खींचा उसका कुंभकर्ण का, कुंभकर्ण को पीड़ा हुई, उसको नीचे फेंका, उसने नीचे फेंका कुंभकर्ण, उसके ऊपर लात मारने के लिए पाँव ऊपर किया, कुंभकर्ण पाँव इतना ऊपर गया और उसके नीचे से निकलते हुए जंप मार के वापस आ गया राम जी के चरणों में सुग्रीव। तो ये अब विभीषण अब ये दोबारा कुंभकर्ण लड़ने के लिए आया है और इस युद्ध को बहुत भयंकर युद्ध के अंदर राम जी स्वयं जब उठा के अपना बाण खड़े हुए हैं और कुंभकर्ण के हाथ पांव काटने शुरू कर दिए और कुंभकर्ण धराशायी होकर नीचे गिरा है। अब रावण अकेला बच गया, कोई नहीं बचा। तब रावण कहता है अब तो सीता को ही मार देना चाहिए। उस वक्त एक मंत्री ने कहा आप राम जी को मार दोगे तो सीता मुफ्त में मिल जाएगी, सीता को मारने से क्या मिलेगा। अब रावण कहे तुम ठीक कह रहे हो तो फिर उनसे लड़ने चलते हैं। ऐसे लिखा है, उस मंत्री का नाम भी लिखा है। अब राम जी लड़ने के लिए आते हैं, इस बीच में मेघनाथ ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। अकेले लक्ष्मण का वर्णन नहीं है, मेघनाथ ने लक्ष्मण और राम दोनों के ऊपर नाग पांच लगाया था, और नाग पांच लगाने के बाद मेघनाथ ने जाके कहा कि विजय हो गई, पिताजी दोनों को मार दिया। और रावण ने कहा सीता को पुष्पक विमान में ले जाके युद्धभूमि में दिखा रहे हो कि पति और देवर मर चुके हैं। और जब राक्षसियां विमान लेके
युद्ध भूमि में आई तो सीता हाहा करने लगी। उस वक्त राक्षसियां कहती हैं, मरे हुए नहीं है सीता, तुम घबराओ नहीं, ये जीवित हैं। बोला कैसे? बोला पुष्पिक विमान मुर्दे के ऊपर चलता नहीं है, वहां से आगे जाएगा नहीं, हमारा विमान इसके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मरे हुए नहीं है। इतनी देर में तो गरुड़ आ गए, हनुमान गरुड़ को लेके आए और गरुड़ ने नाग फांस खोल दिया और राम लक्ष्मण उठ के बैठ गए। तब तो रावण ने कहा हाँ वापस जीवित हो गए, और सीता वापस वहां से लौट के आ गई, उसको लौट के ले आए वापस। दोबारा रावण ने अकेले अपनी शक्ति से मूर्छित कर दिया लक्ष्मण को, और उस वक्त जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ है तब राम जी ने बड़ा विलाप किया है अपने भाई के प्रेम के कारण। तब हनुमान की वो संजीवनी आलाई हुई बूटी से फिर लक्ष्मण उठते हैं सुमंत्रा नंदन। उसके बाद रावण के साथ एक दिन युद्ध हुआ, क्रोध नहीं आ रहा है राम को, क्रोध रावण से लड़ते हुए भी नहीं आया। रावण का रथ टूट गया, रावण को बोला जाओ दूसरा रथ लेके आओ, बाद में लड़ेंगे। रावण चला गया, दूसरे दिन वापस आया, बोला थक गए हो आज, कल आना। तो राम जी ने उसके साथ आखिर कहा क्रोध करो थोड़ा राम जी, ऐसे ये मरेगा नहीं। बोला क्रोध थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। राम जी ने ऐसे क्रोध को टेम्पररी बुलाया। उस दिन रावण अपने रथ के ऊपर सज धज के आया, इंद्र ने देखा एक तरफ रथ से लड़े एक तरफ पैदल लड़े, ये ठीक नहीं है। इंद्र ने अपने रथ को भेजा, मालती अपने सारथी को भेजा, रामचंद्र आज इंद्र के रथ के ऊपर चढ़े हैं, मालती आगे सारथी है, बहुत भयंकर युद्ध हो रहा है। एक बाण से एक सर काटा, दूसरा सर काटा, दूसरा काटा, तब तक एक वापस आ गया। आ रावण हंस रहा है, 10 सर कटे और एक कटे तब तक दूसरा वापस आ जाए। राम जी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हंस रहा है, एक एक काटता हूँ फिर वापस आता है, होगा क्या इसका? तब मालती कहते हैं आप अनजान क्यों बन रहे हैं श्री राम जी, आप जानते हैं, आप ब्रह्मास्त्र इसके हृदय के ऊपर चला, उससे पहले अगस्त ऋषि ने कहा आप सूर्यवंशी हो, आदित्य हृदय नाम की प्रार्थना से अपने आप को परिपुष्ट करो। आदित्य हृदय के 15-16 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है, आज भी उसका पाठ करने वाले बहुत से लोग हैं जो वो पाठ करते हैं अपने बल को पौरुषों को बढ़ाने के लिए, उसका नाम ही आदित्य हृदय है। वो अगस्त ने आके कहा और अगस्त के आदित्य हृदय का पाठ राम जी ने किया, सूर्य से बल प्राप्त किया। और एक ऐसे चार पंक्तियां वाल्मीकि रामायण में हनुमान की है और उनको कोई भी विजय प्राप्त करता है तो उनको पढ़ता है, इतनी अद्भुत है। मैं हनुमान राम का दूत हूँ, जहाँ राम है जहाँ लक्ष्मण है वो सदाई विजय होते हैं, ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है। अब जब मालती ने कहा, राम जी ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और ब्रह्मास्त्र रावण की छाती में जाके लगा। आज रावण नीचे धराशायी हुआ है और रावण के मरने के बाद तो सब कोई रहा नहीं, सब चले गए। मंदोदरी रोती हुई वहाँ आती है और मंदोदरी के विलाप में कहता है कोई आपको मार नहीं सकता था हे लंकेश, ये तो केवल सीता की तपस्या ने आपको मारा है, ये आप देवताओं की स्त्रियों को उनके पतियों को मार के लाए हो, वो आपके मौत का कारण बने हैं। ये बातें जो इतनी मंदोदरी सती की ये बातें हैं कि जा पढ़ने से लगता है कि पर स्त्री की तरफ देखने वाला अपना सत्यानाश करता है और उसका सब कुछ नाश समय के साथ हो जाता है। वो बार बार ये कहती है कि आपके मौत के कारण आपके ये सारे काम वासनाएं थी जिसके कारण आपका ये हाल हुआ है। अब मैं दानव की बेटी है मंदोदरी, बहुत बड़ी सुंदर और सतियों में गिनी जाती है, अभी आपसे बात की, बड़ा विलाप कर रही है यहाँ। अब तो चारों ओर से विलाप के वातावरण में भगवान रामचंद्र कहते हैं विभीषण अब रावण का अंत्येष्टि क्रिया आप कर दीजिए। विभीषण कहता है नहीं, पर स्त्री को ले जाने वाले पापी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। श्री रामचंद्र कहते हैं मरने के बाद किसी के साथ शत्रुता नहीं होती है, जीते होते हैं तब तक शत्रुता होती है, उसके बाद आप उसके भाई हो, अब तो उसका कुल में कोई रहा नहीं है। आज तो आज्ञा का पालन करते हुए विभीषण ने रावण की अंत्येष्टि क्रिया की है। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान को कहा है आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने का शुभ समाचार सीता को देकर आओ। हनुमान बहुत तीव्र गति से माँ सीता को प्रणाम करके कहते हैं हे जनक नंदनी आपको बधाई हो, हनुमान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने सुग्रीव के साथ लंका के ऊपर रावण को वीर गति प्राप्त कराने के बाद अब विजय प्राप्त हो गई है। माँ सीता कहती है ऐसा आनंद जीवन में जो आपने मुझे दिया है हनुमान, इसके बदले में मैं क्या आपको दे सकता हूँ? आपने जीवन दे दिया मेरे को, इतना बड़ा समाचार दिया है पुत्र, मैं इसके बदले में आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। हनुमान कहता है मेरी माँ ऐसा वचन मैं आपसे सुन सकता हूँ और जो आपने कहा इससे ज़्यादा मेरे को और कहीं से कृपा मिल नहीं सकती है।
अब तो हनुमान ने एक शब्द यहाँ कहा है और यहाँ सीता की महानता का वर्णन है। हनुमान कहता है, माँ आप मेरे को आज्ञा दे दो, ये राक्षसी जो है ना, ये आपको बहुत सताया है, आप कहो तो मैं इनको नोच दूँ, किसी के पाल काट दूँ, किसी की टांग तोड़ दूँ। सीता कहती है, बेटा हनुमान ये बिचारी पराधीन थी, ये रावण की दासी थी, ये तो उसकी आज्ञा का पालन कर रही थी, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी जिम्मेवार ये नहीं है, रावण थे, उसको तो सजा मिल चुकी, और फिर भद्र पुरुष किसी दोषी के अंदर दोष नहीं देखता है और उसको कभी भी दुख नहीं पहुंचाता है, तुम अगर इन स्त्रियों को मारोगे तो क्या इसमें राम की कीर्ति होगी बेटा। ये शब्द सीता के मुख से वाल्मीकि जी ने इतना सुंदर लिखा है कि ऐसी जिन्होंने साल पूरा दुख दिया है उनके लिए भी सौहृद सीता के हृदय में है, और हनुमान कहते हैं, नहीं बेटा ये राम जी की कीर्ति बढ़ाने वाला काम नहीं है, क्षमा करना बड़े से बड़ा धर्म है, कोई अपराध करे कौन दुनिया में, तब सीता ने कहा है किससे गलती नहीं होती, स्वयं कहती है मैंने लक्ष्मण को कुवचन कहे, साधु के अपमान का मैं दंड भोग रही हूं, एक साल से यहां मैं रावण के पास पड़ी हूं, ये रावण जैसे ये लक्ष्मण जैसे सतपुरुष को मैंने कुवचन कहे थे तो अपराध किससे नहीं होता है, इसलिए इनके ऊपर क्षमा करो, अपराध किसी से भी दूसरे से अपराध हो जाए दोष हो जाए उसको क्षमा करो, अपने में दोष दिखे तो अपने को दंडित करो, हम उल्टा करते हैं, दूसरे के दोष देखते हैं उसको बुरा कहते हैं, अपना दोष तो हमको दिखता ही नहीं। क्या सीता जी की ये बहुत बड़ी सुंदर, आप कहती है माँ फिर मैं क्या करूँ, बोला बस मैं राम को लखन के साथ देखना चाहती हूँ। हनुमान वापस आया, राम जी ने कहा क्या समाचार है, बोला आपको लक्ष्मण के साथ जनक नंदनी देखना चाहती है। अब राम जी ने कहा विभीषण का पहले तो विभीषण का राज अभिषेक करा दिया, और राज अभिषेक के बाद कहा कि हनुमान को जाओ सीता के पास, लेकिन विभीषण से आज्ञा लेके फिर जाओ। आज विभीषण को राम जी कहते हैं अब आप सीता को वहाँ से तैयार करके यहाँ ले आइए। विभीषण आज्ञा का पालन कर, विभीषण आज्ञा का पालन करके वहाँ गया, सीता तो ऐसे ही उठ के चलने के लिए तैयार हुई। विभीषण कहा नहीं माँ, महाराज रामचंद्र ने कहा है आपको वस्त्र आभूषण पहना के नहा धो के फिर चलना है। बोला जैसे पति की आज्ञा है, बहुत व्यवस्था की गई, सज धज के पालकियों में सीता जी को उठाया है, विभीषण आगे आगे चल रहे हैं, सीता जी पालकी में आ रही है। अब तो इतनी बड़ी वानरों की सेना जो खड़ी है वो सीता जी को देखने के लिए खड़ी हो गई, तब तो डंडे वाले आ गए और जैसे महाराज रास्ते बंद ऐसे रास्ते बंद होने लगे। उस वक्त राम जी ने दूर से देखा, तब कहते हैं विभीषण इन सबको हटाओ डंडे वालों को बीच में से, पहले तो ये कहा और फिर कहा स्त्री का कपड़े से या घर से सुरक्षा नहीं है, उसका आभूषण लज्जा है, अगर उसकी पवित्रता हृदय में है तो पर्दे में रहने की जरूरत नहीं है, ये मेरे वानर जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति देके यहाँ सीता को प्राप्त करने कराने में मेरी सहायता किया, इनको देखने के लिए इनको रास्ते से हटाओ मत, सीता को कहो पालकी से उतर के पैदल चल के आए ताकि ये मेरे सारे भक्त उसका दर्शन कर सकें, और स्त्री को छुपा के रखने की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर ये संस्कृत, अभी हमको तो ये तो लिख के रखना पड़ेगा देखने के लिए, रोज का हमारा काम नहीं है, लेकिन लिखा है कि स्त्री की पवित्रता ही उसका मानता है, यज्ञ में बड़े किसी उत्सव में विवाह में स्त्री का दर्शन करने में कोई पाप नहीं लगता है, सीता को कहो नीचे उतर के आए। अब सीता नीचे उतर के चल रही है, सब वानर देख रहे हैं, सीता जब राम जी के सामने खड़ी हो गई, सब लोग राक्षस भी खड़े हैं, असुर भी खड़े हैं, देवता ये सब वानर भी खड़े हैं। राम जी कहते हैं जनक नंदनी हमने अपने कुल की मर्यादा के अनुसार आपके अपहरण करने वाले का नाश कर दिया, विजय प्राप्त कर दी, आपको मुक्त करा दिया, अब दसों दिशाओं में जहां आपकी इच्छा है आप वहां जाइए, जो पर पुरुष के घर एक साल तक रहे उसको ग्रहण करना हम सतपुरुषों के लिए, हम कुलीन राजकुमारों के लिए उचित नहीं है। सारे लोग में सन्नाटा छा गया कि राम जी कह क्या रहे हैं, और तब सीता जी बोली है
हे दशरथ नंदन राम, हे प्राणनाथ, बचपन से मेरा विवाह आपके साथ हुआ और मैं आज तक नहीं तो भी 20 साल आपके साथ रही हूँ। 14 साल वनवास के हैं और उससे पहले आप अभी तक मेरे को पहचान नहीं पाए। और मेरा जन्म जनक महाराज और उसकी पत्नी सुनैना मेरी माँ से नहीं हुआ है। मैं पृथ्वी की पुत्री हूँ, आपने उसका भी सम्मान नहीं किया है। और आपने अगर ये मेरे ऊपर कलंक लगाया है तो फिर अब मेरे को जीने की कोई इच्छा नहीं है। और भरत की ओर देख के, लक्ष्मण की ओर देख के कहती है, लक्ष्मण तुम मेरे लिए यहाँ लकड़ियाँ ला के चिता तैयार करो, अब अग्नि के अंदर जाने के अलावा मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। लक्ष्मण तो आंखें बंद करके ऐसे खड़ा था, ये न सुन सकता था न देख सकता था। लक्ष्मण ने राम जी की तरफ देखा और राम जी ने कहा, जो सीता कह रही है वो उचित है, आप तो लकड़ियाँ लाई हैं और बहुत बड़ी चिता तैयार हुई है और सोने के रंग जैसा रंग है सीता का और सोने के आभूषण बहुत सुंदर विभीषण ने पहना दिए हैं। वो तो राम जी को प्रणाम किया, राम जी को देखा है, अग्नि की परिक्रमा की है और अग्नि के अंदर ऐसे माँ कूद करी है, चारों ओर हाय हाय हो गया, हाय हाय क्या हो गया, ऐसे कहीं अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इतनी देर में आकाश के अंदर ब्रह्मा जी आए हैं, शंकर जी आए हैं, इंद्र आए हैं, वरुण आए हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी ने बोलना शुरू किया, हे दशरथनंदन राम, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप आपको पहचानिए, आप तो मानव का ये सिर्फ लीला इसलिए कर रहे थे कि ब्रह्मा जी मेरे वचन के अनुसार केवल रावण को मानव मार सकता है और वानर मार सकते हैं, इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। और ये सीता आपकी नित्य प्रिय सी लक्ष्मी है, इसको आप इस तरीके से कैसे अपमानित कर सकते हैं। तब तो शंकर जी भी बोलने लगे और उस वक्त अग्निदेव प्रकट हुए और अग्निदेव सुहाग के साथ सीता को लाए और राम जी को कहते हैं, ये आपकी धरोहर मेरे पास थी, इसको आप अब ग्रहण कीजिए। उस वक्त सीता वाम भाग में खड़ी हुई है राम जी के और राम जी ने उनकी ओर पहली बार मुस्कुरा कर देखा है। आज सीता जब यहाँ खड़ी है तब शंकर जी कहते हैं, देखो ऊपर दशरथ जी आपके पिता भी आए हैं और ये स्वर्ग लोक से आए हैं। उस वक्त दशरथ जी ने कहा ऊपर से, बेटा, ब्रह्मा ने तो कहा कि आपका काम खत्म हो गया, हमने आपको यही सेवा दी थी कि आप रावण का वध कीजिए, अब तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सब मर गए, आप वापस अपने धाम जा सकते हैं। उस वक्त दशरथ कहते हैं, बेटा राम, मैं आपका राज अभिषेक देखना चाहता हूँ, आप वापस जाइए और आप जाने के बाद इक्ष्वाकु कुल की परंपरा को चलाइए, ये मेरे देखने की इच्छा है। और उसके बाद लक्ष्मण को कहते हैं, बेटा लक्ष्मण, तुमने जो राम की सेवा की है इससे मैं संतुष्ट हुआ हूँ, मेरा तेरे को आशीर्वाद है बेटा। और सीता को कहते हैं, बेटी, ये तुम्हारी परीक्षा जो ली है इसके लिए तुम रावण के प्रति कभी दोष दृष्टि मत रखना, ये रावण ने आप, ये रामचंद्र ने ये जो परीक्षा आपकी ली ये आपके हित के लिए, कोई आपके ऊपर कभी उंगली उठा के कलंक न लगाए इसके लिए लिए है। तो उसको ये दशरथ ने तीनों को संदेश दिया। तब इंद्र नीचे उतर के कहता है, रामचंद्र, हम देवता जब आते हैं ना तो कोई वरदान देने के बगैर नहीं जाते हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। राम जी ने कहा, आपको वरदान देना है तो एक पहला वरदान तो ये दीजिए, ये वानर जितने मेरे लिए लड़ने के लिए आए थे, मैं तो आगे होता था, ये पीछे थे, राक्षसों ने उन्हें मारा है, राक्षसों ने तो मेरा दर्शन किया है और प्राण त्यागा है, उनकी तो सदगति हो गई, बेचारे ये मेरे पीछे मरे, इन सबको जीवित कर दो, इन सब वानरों को जीवित कर दो। और इंद्र कहता है, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं, अमृत की दृष्टि की, सारे वानर उठ के खड़े हो गए, जितने मर गए थे राम के साथ सब उठ के खड़े गए। तब हाथ जोड़ के इंद्र कहता है, और आज्ञा कीजिए। तब राम जी कहते हैं, एक और बात का ध्यान रखिए, जिस जिस वन में ये वानर रहें, जिस रास्ते से ये जाएं, वहाँ फलों से लदे हुए वृक्ष और स्वच्छ जल के झरने बहने जाइए। आज तक कहीं भी वानर रहते हों, कहते जहाँ जहाँ मेरे वानर रहें वहाँ उनके लिए सारी वनस्पति की सुविधा आप आज से कर दीजिए। ये दो काम इंद्र आप हमारे इन सैनिकों के लिए कीजिए। इसलिए कभी वृंदावन के अंदर मक्खन चुराने के लिए कृष्ण जाते थे ना, और फिर किसी को कहते थे कि अयोध्या से हमारे घर में मेहमान आए हैं, कुछ दही मक्खन दो, तो जाके लोग देते थे तो बंदरों को खिलाते थे, पर ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे मेहमान है अयोध्या के? बोला, हाँ, यही तो हमारे साथ प्राण की आहुति के लिए लड़ने दिए, तब तो हमको उनको तनख्वाह भी नहीं दी, तब तो हम वनवासी थे, अभी इतना सारा मक्खन पड़ा, 9 लाख गाय मेरे पिताजी, ये खिलाने दो इसको मेरे को, आप सबका माल खाएं, ये हमारे पुराने सेवक है। तो राम जी के यहाँ सीता की अग्नि परीक्षा हो गई।
अब देवता सब आकाश से वापस चले हैं। उस वक्त विभीषण कहता है हमारे राज में चलिए, कुछ दिन रहिए। राम जी कहता है अब तो भरत 14 साल में देर नहीं है, कल हमने ये आपको कथा बताई थी। पुष्पक विमान के अंदर सब चढ़े हैं, विभीषण भी चढ़ा है यहाँ से, अंगद भी चढ़ा है, सुग्रीव भी चढ़ा, हनुमान भी चढ़ा है, और ये पुष्पक विमान किष्कंधा से कुछ स्त्रियों को लेकर सुग्रीव की पत्नियों को अब ऊपर से पूरा दंडकारण्य का दर्शन करते हुए राम जी सीता को कथा बताते हुए कहाँ जटायु मिले से लेकर और भारद्वाज आश्रम में रुके हैं। समाचार पहुंचा है भरत को हनुमान के द्वारा, भरत ने तैयारी की है। दूसरे दिन जैसे पुष्पक विमान उतरा है आके नंदीग्राम में, भरत ने पहले जाके चरण पकड़े हैं, भरत को भगवान राम ने गले लगाया है, लक्ष्मण ने भरत के चरण छुए हैं, उनने गले लगाया है, शत्रुघ्न आया है, फिर तीनों माताओं को प्रणाम करने राम लक्ष्मण गए हैं, और फिर गुरुजनों को प्रणाम किया है। गुरुजन को प्रणाम करते हुए राम जी कहते हैं ये सब सुग्रीव और इनके साथियों की सहायता से हम इस बहुत बड़े भयंकर युद्ध में विजयी हुए हैं। और फिर माताओं को और सुग्रीव को कहते हैं सुग्रीव ये गुरु की कृपा से हम सब विजयी हुए हैं। एक तरफ गुरु की महिमा गाते हैं, एक तरफ सुग्रीव की महिमा गाते हैं। उस वक्त तो भरत कहता है आज तक हम 4 भाई थे, आज से सुग्रीव तुम हमारे 5वें भाई हो। जब हम नहीं थे तुमने हमारे भाई के साथ साथ दिया है। सुग्रीव ने आपको गले लगाया है भरत ने, और यहाँ से बहुत सुंदर रथ सजाया है। रथ सजाने से पहले भगवान राम ने अपने हाथों से पहले भरत की जटाएं काटी है, फिर स्नान कराया है, लक्ष्मण ने स्नान किया है, फिर राम जी का स्नान हुआ, और उसके बाद रथ के ऊपर चढ़े हैं, और फिर चवण लेके खड़े हैं शत्रुघ्न और भरत, आगे हाथी के ऊपर सुग्रीव चढ़ाए, और ये पूरा कारवान अयोध्या में प्रवेश होता है। आज अयोध्यावासी वापस राम जी का 14 वर्ष के बाद दर्शन करते हैं। बड़ा अद्भुत यहाँ नगर के अंदर सजावट हुई है, राम जी के राज अभिषेक की तैयारी हुई है। सीताराम का राज अभिषेक के लिए चारों ओर से सुग्रीव ने अपने वानरों को भेजे हैं, सब तीर्थ स्थानों का जल आया है, राम जी का राज तिलक हुआ है। 1 महीने तक तो कोई विदा होने के लिए तैयार नहीं था। राम जी ने कहा भरत जरा अंदर से सब आभूषण ले आइए, कुछ धन लाइए। सुग्रीव को कहा ये सब आपको देते हैं, आपको किष्कंधा का पद भी दिया, नमस्कार किया, भेंट सामग्री दिया। विभीषण तुम भी अपने राज में जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे को दिया जा रहा है। सबको विदा किया, जनक जी आए थे उनको विदा किया। हनुमान कहता है इन सबको 1 पद दिया, मेरे को 2 पद चाहिए। अरे ये सबको 1 पद, आपको 2, आप तो बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा करते थे। बोला हाँ महाराज, सुग्रीव को किष्कंधा का पद दिया, विभीषण को लंका का पद दिया, मेरे को 2 पद दे दीजिए। बोला कौन से पद? बोला ये 2 आपके चरण पद मेरे को दे दीजिए, मैं ये छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब यहाँ से मैं जाने वाला नहीं। अब एक दिन हनुमान वहाँ बैठा है, सिबु बहुत भूख लगी है। माँ सीता को कहता है माँ मेरे को भूख लगी है। माँ ने बोला थोड़ी देर रुको मैं आती हूँ। मैं वो कुछ अपना श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करके माँ बाहर आई तो इधर कुछ लाल सिंदूर लगाया हुआ देखा। हनुमान ने बोला माँ ये क्या है? बोला बेटा ये राम जी को बहुत सुंदर लगता है इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान कहीं गया वापस बाज़ार से सिंदूर खरीद के, सारे का सारा अपने को ढक के रंग लगा के वापस आ गया। माँ ने पूछा बेटा तुम ये भूखा था, कुछ खाया नहीं, कहाँ चला गया? बोला इतने सिंदूर से राम जी खुश होते तो मैं पूरे का पूरा लगा के आया। वो तो राम के प्रेम में। और अब राम के राज में प्रशंसा हो रही है कि राम राज कैसा है। कोई बच्चा मरता नहीं है पिता के होते हुए, कोई स्त्री विधवा होती नहीं है, कोई आदमी बीमार होता नहीं है, किसी से अन्याय होता नहीं है, बहुत सुंदर राम राज चल रहा है। अब राम राज सुंदर चलने दीजिए। इसके बाद ऋषि आते हैं, अगस्त ऋषि, अत्रि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि सब आते हैं, प्रशंसा करते हैं राम का, धन्यवाद करने के लिए। राम जी उनसे हनुमान की सारी जीवनी की समाचार पूछते हैं, असुरों की जीवनी का समाचार पूछते हैं। हमारी इच्छा थी कि आज हम हनुमान की कथा करें, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे कहा था उस हिसाब से तो अभी तक टाइम है कथा करने का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। राम जी को तो वापस लाए, राज तिलक दिया, सबको विदाई की तैयारी होने लगी। तब तक ये जो है युद्ध कांड चलता है। राम के राज अभिषेक के बाद, सबको विदा करने के बाद भी कुछ लोग नहीं जा रहे थे। राम को इतना स्नेह सबको हो गया, राम के राज में कुशल मंगल इतना था। हरे कृष्णा। तो अब
थोड़ी सी हनुमान जी की कथा करके दो और कथाएं राम के उत्तर रामायण की दो कथाएं करके फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें राम का अद्भुत चरित्र का वर्णन है कि राम के राज में कैसा सुंदर चरित्र था। 10,000 साल तक राम जी ने राज किया और कहीं लिखा है कि 11,000 साल तक। क्या एक जगह 10 है, एक जगह 11 है। 11 क्यों लिखा है? तब लिखा है 11 इसलिए लिखा है कि महाराज दशरथ समय से पहले शरीर त्याग दिया। तो वो 10,000 दशरथ का जीवन राम जी के जीवन में शामिल हो गया, इसलिए अंतिम जो 1,000 साल था उस वक्त दशरथ की आयु राम ने ग्रहण की थी, इसलिए सीता का उपभोग नहीं किया और सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ऐसे आचार्यों का मत है जो रामायण जानते हैं कि 10 साल तो उनके अपना राजकाल था, 1,000 साल अभी तक दशरथ महाराज का जीवन था, लेकिन वो तो राम के विरह में जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो ये 1 साल दशरथ का उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए सीता का उपभोग नहीं किया और उस वक्त सीता के परित्याग की कथा आती। अब यहां से कथा शुरू करते हैं। जब ऋषि राम जी के धन्यवाद करने के लिए आए हैं तो राम जी ने पहले तो प्रश्न पूछा कि असुरों की उत्पत्ति कहां से हुई राक्षसों की, और राक्षसों की उत्पत्ति का वर्णन तो हेती परहेती से करके, पर माली सुमाली की वर्णन करके, फिर कैसे केक्षी से रावण की उत्पत्ति हुई भाइयों की, हमने पहले दिन कथा में आपको संक्षेप में सुनाया था अगर आपको याद हो तो। आगे चल के ये आया कि राम जी ने प्रश्न पूछा कि आप कहते हो बाली बहुत बड़ा शक्तिशाली था, सुग्रीव के साथ हनुमान था और हनुमान को मैंने अपने आंखों से उसकी वीरता को देखा है, फिर सुग्रीव की रक्षा हनुमान क्यों नहीं कर सका? तब कथा अगस्त ऋषि बताते हैं कि हनुमान जब हर एक देवता ने अपना अंश भेजा तो शंकर जी के मन में आया कि राम की सहायता के लिए मेरा अंश भी जाना चाहिए। तो शंकर जी के अंश उनके तेज से दो कथाएं यहां आती हैं। एक तो कथा आती है जो भागवत में है, मोहिनी मूर्ति के पीछे जब शंकर जी चले गए तो उनके वीर्य का हास हुआ था और सप्तऋषियों ने उसको रखा था घट में, और समय आने के ऊपर वायुदेव को कहा इसको अपने स्थान के ऊपर जहां उचित हो वहां स्थापित करो, ये शंकर जी का वीर्य है, इससे आगे चल के राम जी के सेवक में हनुमान का प्रकट्य होना है। एक और स्थान पे ऐसा वर्णन है कि जब शंकर जी के मन में ये इच्छा आई कि मेरे को राम जी की सेवा में जाना है तो पार्वती और वो दोनों बानरी बन गए, और उस वक्त में पार्वती ने गर्भधान कर दिया शंकर जी ने और कहती है मैं तो वापस बानर को जन्म नहीं दूंगी। पार्वती तो उस वक्त वायुदेव को बुलाया, पहले अग्निदेव को बुलाया था जिससे तो कार्तिकेय हुए, तो कार्तिकेय फिर तो 6 कृतकाओं ने पाला तो उसका नाम इसलिए कार्तिकेय हुआ, किसी ने पाला नहीं। तो यहाँ आज वायुदेव बोलता नहीं महाराज आपका ये संभालना मुझे मुश्किल नहीं, कुछ करो। तो सप्तऋषियों ने रखा था, वायुदेव ने केवल उस शंकर जी के अंश को ले जाकर केसरी नाम का राजा किष्कंधा में था, और ये अंजनी थी ये तो बृहस्पति के वहाँ सेवा करती थी, फल फूल लेने के लिए गई थी, कुछ गंधर्वों को देख लिया, मन में काम भाव कहीं से आया, वो तो वापस आई फूल रख के पूजा के वो बृहस्पति को ही चूमने लगी। तो बृहस्पति तुम बंदरिया की तरह क्या कर रही हो, जाओ बंदरिया बन जाओ, तो उसको श्राप दे दिया, वो अप्सरा वहाँ से गिरी। तब बृहस्पति ने कहा नहीं मेरे मुख से ये निकला है तो इससे कोई सेवा भगवान की होनी है, वो अंजनी के रूप में आई, तुम्हें पुत्र को जन्म देना है राम की सेवा का, फिर तुम वापस मेरे पास चले आना। तो आज जब ये राम कथा चल रही है तो वो शंकर जी का अंश, इसलिए कवि रुद्र का अवतार कहते हैं हनुमान जी को, और फिर वायुदेव उसको ले आए तो उसको वायुपुत्र कहते हैं, और उसको केसरी नंदन कहते हैं क्योंकि केसरी के घर में, उसको अंजनेय कहते हैं क्योंकि अंजनी ने उसको धारण किया। आज माँ अंजनी ने जन्म दिया और हनुमान का जन्म हुआ और अंजनी वापस जाने लगी क्योंकि उसका शराब पूरा हो गया। तो पल्ला पकड़ के हनुमान कहते हैं माँ कहाँ जा रही हो, मैं खाऊं क्या, मुझे भूख लगी है। शाम का वक्त था, सूर्य अस्त हो रहा था, अंजनी कहती है बेटा देखो एक गोल गोल लाल लाल देखते हो ना, ऐसा फल होता है वो खाना। माँ तो चली गई, हनुमान ने समझा यही फल है,
हनुमान जंप मारी सीधा सूर्य की तरफ। सूर्य देव ने देखा ये तो हमारे बहुत प्रिय वायुदेव का पुत्र है। सूर्य ठंडा हो गया और सूर्य के पास जाके एक जगह तो लिखा सूर्य तक पहुंचा है, तो उस दिन राहु आ रहा था, सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। राहु ने आगे कहा तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तो मैं सूर्य को खाता हूँ। बोला तो ये एक से मेरा पेट नहीं भरेगा, सूर्य को खाने के बाद तेरे को भी राहु खाऊंगा। अब तो राहु वहां से भागा, सीधा जाके इंद्र को बोला इंद्र इंद्र देखो मैं कभी सूर्य को जाके ग्रहण लगता हूँ, आज कोई और बड़ा ग्रहण उसको लगा है और सूर्य ढका हुआ है। इंद्र एरावत के ऊपर चढ़ के आया, राहु पीछे चल रहा है डर के मारे। एरावत व्हाइट को देखकर सफेद सफेद को, हनुमान ने कहा ये सफेद फल दूसरा। अब इंद्र भयभीत हुआ, उसके हाथ में वज्र था, उसने वज्र को लगाया। अब हनुमान का नाम अभी तक तो हुआ नहीं, जन्म हुआ है, जन्म होते ही 16 साल के बच्चे जितना हो गया, वो तो देवता का पुत्र था और शंकर जी की शक्ति थी। वैसे तो उसको थोड़ी में यहाँ जगह लगा, वज्र लगा तो उसकी थोड़ी टूट गई, इसलिए उसका नाम हनुमान हो गया। हनुमान का मतलब जिसकी हनु, हनु मतलब थोड़ी, हनु का मतलब दांत होता है, ये टुकड़ा टूटा हुआ हो उसको हनुमान कहते हैं। आज एक तो ये कथा, एक कथा तो ये है कि शंकर वो तो खा सूर्य को तो निगल गए, राहु को पेट में डाल दिया और वज्र को भी दांतों में दबा के रख दिया और कहीं जाके बैठ के किसको खाऊं कैसे खाऊं। तब ब्रह्मा जी ने कहा अंधेरा हो गया, सूर्य दिख नहीं रहा है, तो ब्रह्मा जी वहाँ आके कहा बेटा ये वापस निकाल। बोला मैं भूखा हूँ कैसे निकालूं, निकालूं क्या यहाँ तो दो तो वज्र पड़ा है मेरे दंतों में। तो वज्र को बाहर निकाल के रखा, सब सूर्य को मुक्त किया, तब उन्होंने सब वरदान दिया। दूसरी कथा जो वाल्मीकि रामायण में, वो तो ये अन्य रामायणों में बहुत, रामायणिक पुराणों में बहुत अलग अलग कथाएं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो जब नीचे गिरा तो उसकी जैसे प्राणी निकल गए, वायुदेव को बहुत दुख हुआ, उसने बहना बंद कर दिया, अपनी गोद में लेके बैठ गए, वायु नहीं बह चले तो सबका सांस बंद होने लगा। सारे देवताओं को लेके ब्रह्मा जी आए, कहा कि आपने बड़ा अपमान किया है, आपने सूर्य, आपने वायु के पुत्र के ऊपर आक्रमण किया है, अब आप सब चलो। तब ब्रह्मा जी ने कहा वायुदेव आप बहना शुरू करो, आपके पुत्र को मैं जीवित करूंगा। कमंडल के अंदर जल था, गंगा जल ऐसे ब्रह्मा जी ने डाला, हनुमान भी ठीक हो गया। उस वक्त ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, मेरा ब्रह्मास्त्र कभी तुम्हारा अहित नहीं करेगा, तुम्हें मारेगा नहीं। उस वक्त इंद्र ने कहा मेरा वज्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उस वक्त में सूर्य ने कहा मैं अपना स्वांश तुम्हारे को अपनी शक्ति देता हूँ और तुम बड़ा हो जाओगा तो तुम्हारे को विद्या भी दूंगा। बृहस्पति ने भी आशीर्वाद दिया और जो अश्वनी कुमारों ने कहा तुम्हारे को कोई रोग नहीं लगेगा, तुम सब औषधियों को पहचान लोगे। हर एक ने सब इतना आशीर्वाद दिए कि हनुमान इतना बलशाली हो गया, इतना बलशाली हो गया कि उसके बल के कारण वो कभी एक पर्वत को उठा के दूसरी जगह रख दे। वो ऋषि अपनी कुटिया को, उन्होंने कुटिया ही नहीं मिले, कुटिया कहीं और चली गई। तो ऋषि पर्वत हो, एक दिन किसी ऋषि के घर के सामने एक हाथी को पकड़ के लाया हनुमान और एक तरफ से एक शेर को पकड़ के लाया, दोनों की पूंछ को आपस में बांध के उस ऋषि के दरवाजे पे खड़ा कर दिया। ऋषि बेचारे को पेट में बहुत कब्जी थी, बाहर निकला, इन दोनों को देखा तो बहुत जरा लंगू इतनी परेशान हुआ, बाहर देखता है हाथी, हाथी के पूंछ में बड़ा, अंदर बैठ नहीं सकता है, बाहर जा नहीं सकता है, खिड़की की तरफ गया, जो खिड़की की तरफ गया तो हनुमान को देखा पेड़ पे बैठा है। बोला ये तेरा काम है, बाहर इनको तुमने खड़ा किया है, इधर आओ। हनुमान नजदीक गया, बोला तेरे को शराब देता हूँ मैं तेरे को, ये तेरी शक्ति सब गुम हो जाए, तुम्हें जरूरत पड़े तब ये काम आए। बोले ऐसे क्यों करते, बोले अभी बेकार में मत गवाओ, राम की सेवा में काम आएगी। इसलिए अगस्त ऋषि कहते हैं ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए थे, इसलिए सुग्रीव के साथ रहते हुए भी उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं थे, लेकिन उसको ये वरदान जरूर था। तो अब इसके अभी 7-8 दिन से कोई शिकायत नहीं आ रही थी हनुमान के पिताजी को। एक दिन नारद आते हुए देखा तो पिता ने कहा ये बड़ा भक्त है, इसको प्रणाम करो। हनुमान ने जाके प्रणाम किया, बोला आप बड़े भक्त हैं, मेरा पिताजी कहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारद है, आप मुझे वरदान दे दो। नारद ने कहा आपको वरदान तो सब देवताओं ने दिया, मेरे पास कुछ है तो नहीं, क्या दूँ? गाने का वरदान देता हूँ क्योंकि मैं गाता रहता हूँ। बोला मैं आपसे अच्छा गाऊँ, ऐसा वरदान दो। हनुमान ने बोला दे दिया। बोला अब आपकी वीणा रखो, मैं गाता हूँ, तुम सुनो। हनुमान ने गाना शुरू किया और गाना क्या, पत्थर पिघल जाए ऐसा गाना शुरू किया। पत्थर पिघलने लगे, पहाड़ जिसके ऊपर बैठा था जहाँ वीणा रखी हुई थी पिघलने लगी और गाता गया। हनुमान ने कहा अभी बंद करूँ? नहीं नहीं अब बंद मत करो। और गाते अब नारद जी कहते बंद करो। बोला बंद करूँ? बोला बंद करो। बंद किया, अब नारद जाने लगा
तो पत्थर वापस फिर सख्त हो गए, वीणा अटक गई अंदर। अब नारद वीणा को निकालता है, वीणा निकलती नहीं है। अरे दोबारा गाना शुरू करो। नहीं, गाना शुरू करूंगा। अरे नारद जी कहती मेरी वीणा निकालनी है, गाना तो शुरू करो। नहीं करूंगा। अपने घर में भाग गया, नारद अंदर गया। कुछ वो बोलता है पिताजी इसका, नारद जी इसने कोई फिर शरारत की, 7 दिन से शिकायत नहीं आ रही थी, आज क्या कुछ किया? बोलो नहीं नहीं बहुत अच्छा बच्चा है। तो बोलिए क्या हुआ? बोलो वो मेरी वीणा अटक गई है पत्थर में, ये वो निकाल नहीं रहा है। तो कैसरी कहते जाओ हनुमान बेटा उसकी वीणा निकाल दो। बोला नहीं, ये इतना बड़ा महात्मा है, अपने सारे घर में इसके चरण घुमाते हैं पहले, हमारे सब कमरों से अंदर से घूम के आओ। अरे भाई नारद को पकड़ के सब कमरों से घुमा के आशीर्वाद लिया, फिर कहा बैठिए। फिर गाना शुरू किया, फिर पत्थर पिघल गया, फिर वीणा निकल गई, नारद चला गया। बोला ये तो तुम्हारा गाना, अपने लिए गाना। तो ये हनुमान के बचपन के ऐसे उसने बड़े अद्भुत, और इसको एक अब कहते हैं कि हनुमान ने कहा पिताजी मेरे को शिक्षा के लिए भेजो। बोला तेरे को बेटा कहाँ शिक्षा के लिए भेजूँ? बोला पिताजी हूँ आपका, ये धर्म है, मुझे शिक्षा दिलाइए। तो सूर्य देव तो कहा आप तो बुद्धि के देवता, क्या आप तो बहुत बड़े विद्वान है। और सूर्य देव को तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने गीता का ज्ञान दिया है, तो सूर्य तो पहले ज्ञान का अधिकारी है। यहाँ हमारे भक्तों को सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य कितने हैं दुनिया के अंदर? एक सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है कि नहीं देता है? और उस सूर्य को शिक्षा किसने दी है? भगवान श्री कृष्ण ने। तो एक सूर्य सबको प्रकाश देता है, इसका मतलब गीता की शिक्षा पूरी दुनिया के लिए है, ये गीता की यूनिवर्सलिटी है। गीता की शिक्षा पूरे विश्व के लिए है, एक सूर्य से सब प्रकाश लेते हैं, ऐसे एक गीता से सारा संसार भगवत भक्ति का असली रस ले सकता है। जो नहीं लेते हैं वो मूर्ख है। ये गीता की यूनिवर्सलिटी है। अगर एक सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ना अमेरिका का सूर्य अलग है, ना अफ्रीका का है, ना लंका, ना कोई रशिया का है, ना भारत का है, सभी एक सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऐसे सभी दुनिया एक गीता से अपना मार्गदर्शन लेके भगवान के धाम जाने के लिए अपना रास्ता बना सकती है। लेकिन मूर्ख है जो नहीं समझ पा रहे। तो आइए, तो आज हनुमान को ले जाके कि भाई एडमिशन दो इसको, बच्चा हमारा आपके पास पढ़ना चाहता है। तो सूर्यदेव कहते हैं मेरे रथ के ऊपर पहले वाल्कल्य ऋषि 65,000 बैठते हैं, जगह तो है नहीं, एक भी सीट नहीं, एडमिशन कहाँ से दूँ? हनुमान का एडमिशन नहीं दो कोई बात नहीं, हमारे गांव में पेड़ के नीचे लोग पढ़ते थे, हम अंदर नहीं दीजिए, बेंच नहीं है, कुर्सी नहीं है, मैं खड़े खड़े होकर पढ़ लूँगा। बोले बैठोगे नहीं? मैं चलता रहता हूँ, मैं बैठता ही नहीं हूँ, सूर्य कभी बैठता नहीं है, और रथ के ऊपर बैठ नहीं सकता। बोला मैं खड़ा हो, खड़े होकर चलेगा ना तो पीठ मेरी तरफ नहीं हो जाएगी? बोला नहीं, मैं आपकी तरफ देखता, आपको सुनता हुआ उल्टे पाँव चलूँगा। ऐसे हनुमान ने 1 साल तक सूर्य से शिक्षा ग्रहण की। तब सूर्य ने कहा मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए, आज्ञा कीजिए गुरुदेव क्या दूँ? बोला मेरा पुत्र सुग्रीव है, उसका साथ कभी मत छोड़ना। इसलिए सुग्रीव के साथ में हनुमान सदा के लिए रहा, उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, और उसका बहुत ही विश्वसनीय सबसे ज़्यादा मंत्री था। फिर भगवान राम के प्रकट्य की सेवा में आने के बाद सुग्रीव से आज्ञा लेके, और फिर समय समय के ऊपर सुग्रीव आदि आते राम से मिलने, विभीषण आदि आते। बहुत बड़ा राम जी का अद्भुत चरित्र अपने नागरिकों के साथ है। एक कथा तो हमने बताई थी, विभीषण को जाके छुड़ाया श्रीरंगम में जाके, और जहाँ भगवान राम ने कहा सेवक के अपराध को मालिक का अपराध मानना चाहिए। अब एक दिन की कथा होती है, हनुमान जी के आगे भी बहुत वीरता का वर्णन है, अद्भुत उनके जो भी पराक्रम है, और आज भी चिरजीवी है, आज भी हनुमान इस धरती के ऊपर रह रहा है। जहाँ राम कथा होती है वहाँ तो आते हैं, किम पुरुष लोक में आज भी हनुमान का निवास है, राम जी की सेवा करते हैं। वो लोक इसी ब्रह्मांड में है, यहाँ इस ब्रह्मांड से बाहर नहीं है। और बहुत भारत का सौभाग्य है कि हर जगह हनुमान जी का आपको मंदिर मिलेगा। हनुमान पर्यायवाची शब्द हो गया है, हनुमान हर जगह, तो भक्त के द्वारा ही भगवान मिलता है। तो हनुमान का उपासना पूजा करना, भक्तों को जाके भक्त से ही भक्ति मिलती है। तो हनुमान की महिमा के बाद एक दिन का समाचार आता है, एक ब्राह्मण आके दरवाजे के ऊपर बैठ के रामचंद्र की ओर कहने लगा, आपके राज्य में कोई अन्याय है,
क्या बात है? बोला मेरे बेटे का मृत्यु हो गया, मेरे जीते जी मेरा बेटा क्यों मर गया? पहले मेरा जन्म हुआ तो पहले मेरे को मरना चाहिए, मेरे जीते जी मेरा बेटा कैसे मर गया? अब तो सब लोग आके बैठे हैं, सब भाईचार बैठे हैं, सब मंत्री आके बैठे हैं कि ऐसे कैसे हो गया? तब नारद जी आके कहते हैं, श्री रामचंद्र इस वक्त हिमालय की तलहटी में कोई अयोग्य व्यक्ति घोर तपस्या कर रहा है, उसके परिणाम के रूप इस ब्राह्मण का बच्चे का मृत्यु हो गया है। राम जी ने कहा, भरत तुम राज को संभालो। और विमान पुष्पक को बुलाया और रामचंद्र जाके हनुमान जाके तलहटी में देखते हैं तो एक अयोग्य पुरुष जो किसी परंपरा में भी नहीं है, किसी के शिक्षित दीक्षित भी नहीं है, लेकिन घोर तपस्या कर रहा है, दो पांव पे अंगूठों पे खड़के हाथ खड़ा होके हाथ ऊपर करके। भगवान रामचंद्र ने कुछ भी जाते ही पहले ही बाण से उसका सर काट दिया। जैसे यहाँ उसका सिर गिरा है वहाँ ब्राह्मण का बच्चा जीवित होके उठा है। इसके ऊपर कभी लोग कहते हैं कि रामचंद्र ने उस हीन जाति के व्यक्ति की तपस्या करते हुए को मारा क्यों? इसका सामान्य उत्तर ये है कि आज भी कोई न्यूक्लियर वेपन का राज किसी दूसरे को देता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरा होता है कि नहीं होता है? तो उससे तो सब सावधान होते हैं, उसको बंदी बना दें या मार दें, नहीं तो पूरी दुनिया का हत्या कर सकता है, सारी दुनिया को नाश कर सकता है। ऐसे किसी के पास अगर शक्ति आ जाए तो पूरी दुनिया का नाश कर दे, तो बहुत ये तो नेम और नियत नहीं है, नीति नहीं है। तो रामचंद्र ने उसका सर काट दिया और यहाँ बच्चे का। और इसके बाद तो वो एक कुत्ता आके बाहर रोने लगता है, ये कथा तो सबने सुनी हुई है, इसको छोड़ते हैं। भाई कोई फरियादी आया है, कौन है भाई? कोई बाहर है नहीं, कोई कौन है जाके देखो। बोले कुत्ता है महाराज, और तो कोई है नहीं। बोला कुत्ता कैसे जा बुलाओ उसको। तो वो उसको कुत्ते को जाके देखा तो बोला मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं तो कुत्ता हूँ, अंदर कैसे आ सकता हूँ? तो राम जी ने कि आ गया है तुम आओ, तो अंदर चला गया। बोला आपको क्या है? बोले देखो मेरे सर को किसी फाड़ा, एक पंडित जी ने, वो महाराज जो उस मठ के अंदर रहते हैं उसने मेरे सर को मारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण इसका आपने इसको मारा है? हाँ मारा है। तो फिर कुत्ते से पूछा इसको सजा क्या दें? बोलो इसको सजा दीजिए। कुत्ते से पूछा कि इसको सजा क्या दें ब्राह्मण को? बोला वो जो बड़ा है, एक बहुत बड़ा मठ है ना, एक बड़ा आश्रम, उसका इसको अधिपति महंत श्री महंत बना दीजिए। तो सबने कहा ये कोई इसको सजा है? डंडा मारा उसको सजा ऐसे क्यों देते हो इसको? ब्राह्मण को इतना बड़ा महात्मा संत क्यों बनाते हो उस आश्रम का? तब कुत्ता बोलता है क्योंकि पहले जन्म में मैं उस आश्रम का संत था और मेरे से इतने अपराध हुए कि मैं कुत्ते का जन्म लिया है, तो अब वहाँ वो जाके ये बनेगा, तब इसको पता लगेगा, तब इसके सर में चोट लगेगी, तब ये सुधरेगा, इसका इलाज ये है। अब एक दिन रामचंद्र के पास कुछ हास्य और समाचार सुनाने वाले विदुषी होते थे, वो काफ़ी कुछ हंसी की बात करते थे मनोरंजन के लिए, संत साधु सदा आते रहते थे। तो एक दिन ऐसे विदुषी ने आके कह दिया कुछ कि राम जी लोग कुछ बात ऐसे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो ज़रा सावधान हो गया। बहुत बोलिए बोलिए क्या कह रहे हैं? बोला महाराज नहीं नहीं आपको बोलना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि राम जी ने सीता को कैसे रख लिया घर में, वो किसी पर पुरुष के घर में रही थी। तो राम जी तो चुप हो गए। दूसरे दिन स्वयं सामान्य वेश पहन के शहर में घूम रहे हैं तो एक ही जगह से जहाँ गुजरे तो ये समाचार उसने सुना कि ऐसे लोग कह रहे हैं, एक पत्नी एक रात बाहर रह के घर में आई थी और धोबी उसको घर से बाहर निकाल रहा था और कह रहा था मैं राम थोड़ी हूँ, कोई सीता को रख लो। राम वापस घर में आए हैं और लक्ष्मण को बुला के कहते हैं लक्ष्मण एक काम करना है, सीता कह रही है कि मुझे ऋषियों के आश्रम कुछ देखने हैं, इसको आप ऐसे करो यहाँ से ले जाओ, गंगा पार करके विश्व ऋषियों के आश्रम के पास छोड़ के आ जाओ। ये बात लक्ष्मण सह नहीं पा रहा है लेकिन आज्ञा का पालन करना है। आज सीता को यहाँ से ले जाया गया है, लक्ष्मण की आंखों में आंसू है। वहाँ आश्रम के पास सीता को छोड़ के जब वापस लक्ष्मण आता है तो बहुत दुखी होता है। माँ सीता वहाँ जब रोने लगती है तो वाल्मीकि के कुछ शिशुओं ने देखा सीता को, वाल्मीकि जी अपने आश्रम की स्त्रियों को ले आए, अपने आश्रम में रखा है और सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रह रही है। और यहाँ राम जी बहुत दुखी होने लगे। एक यज्ञ करने का समय आया तो अब स्त्री नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? तो स्वर्ण की एक सीता बनाई, वो स्वर्ण की सीता जो बना के वहाँ रख दी, उससे यज्ञ को पूरा किया।
अब राम जी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब तो लक्ष्मण और राम कहते महाराज आपने स्वयं सीता का वियोग किया है तो अब आपको राज करना चाहिए, राज काज को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। इतने बीच में एक व्यक्ति राम जी से मिलने आया, उसने कहा जब तक मैं आपसे बात करता रहूँगा तब तक कोई अंदर नहीं आए, अगर कोई अंदर आया तो उसका आपको परित्याग करना पड़ेगा। अब राम जी अंदर जाके बैठे, उस व्यक्ति के साथ बाहर लक्ष्मण को खड़ा कर दिया, लक्ष्मण किसी को अंदर मत आने देना। लक्ष्मण बाहर खड़ा है, अंदर वो व्यक्ति गया है, बात कर रहा है, और इतनी देर में दुर्वासा ऋषि अंदर प्रवेश करते हैं। कहते हैं लक्ष्मण मेरे को राम जी से मिलना है। अब लक्ष्मण कहते हैं राम जी के मिलने से मने करने से ये श्राप दे देंगे तो पूरा कुल नाश हो जाएगा, मैं अंदर जाके राम जी को समाचार दूंगा तो अकेला मैं नाश हूँगा, तो मेरे अकेले नाश को मुझे स्वीकार है, कुल नाश में नहीं स्वीकार है मुझे। लक्ष्मण अंदर चले गए, अंदर चले गए तो व्यक्ति जो अंदर बैठा था वो तो एकदम उठ के भागा, वो तो आया था रामचंद्र को बताने के लिए कि आपकी लीला समाप्त करने का समय हो गया है और अब आप यहाँ से चलिए। तो वो तो उस रूप में आके राम जी से बात करा, लेकिन लक्ष्मण अंदर गया तो वो तो उठ के चला गया, लेकिन राम जी ने कहा अब लक्ष्मण का परित्याग करना है। लक्ष्मण मैं आपका परित्याग करता हूँ। अब तो लक्ष्मण तो प्राण जैसे पाताल में जैसे चले गए, जैसे शेषनाग था वो अपने शेष के जा, अब राम का कहीं मन नहीं लगने लगा। और उस वक्त राम ने कहा कि अब राज भरत, भरत ने बोला मैं भाई राज मैं नहीं लूंगा। शत्रुघ्न कहाँ है? बोला लवणासुर को मारने के बाद मथुरा में राज कर रहा है। बोला शत्रुघ्न को बुलाओ। शत्रुघ्न को आदमी लेने गया, शत्रुघ्न वहां से भागते हुए वापस आया। जैसे शत्रुघ्न वहां आके पहुंचता है पहले ही प्रणाम करके कहता है श्री राम मैं आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन किया नहीं है, मुझे ऐसी आज्ञा मत देना कि मुझे उल्लंघन कर, मैं राज नहीं करूंगा, आप राज नहीं करेंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। आज भरत राज करने को तैयार नहीं है, शत्रुघ्न राज करने को तैयार नहीं, और राम जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही पांडवों में जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे मुकुट उतारा तो न भीम ने अपना उतारा, अर्जुन ने उतारा, नकुल सहदेव पांचों ने कहा हम राज नहीं करेंगे, परीक्षित को राज दिया। ये भाइयों में ऐसे ये पूरी महाभारत पांच भाई मुट्ठी की तरह कभी अलग हुए नहीं, और ये चार भाई आपस में कभी अगला अलग हुए नहीं है, राज की लालच किसी एक को भी नहीं है। आज रामचंद्र सारी सास जाने से पहले दो पुत्र रामचंद्र के लव कुश उनको लव को लाहौर, जहाँ अभी लाहौर है, ये लव का राज हुआ करता था जो अभी पाकिस्तान में है, और जो तक्षशिला की तरफ है वो तो दिया भरत के पुत्रों को, और लक्ष्मण के दो पुत्रों को राज दिया, और शत्रुघ्न के पुत्रों को राज दे के सारा राज शासन दे के सारे ही अपने अयोध्या वासियों के साथ उस वक्त वहाँ से सुग्रीव आया कि मैं चलूँगा। विभीषण आया, तब विभीषण को कहा नहीं आप चिरजीवी हो, आप यहाँ रह के सेवा करो, हनुमान तुम हमारे पीछे रहना, जब तक हनुमान ने कहा जब तक सूर्य रहेगा तारा रहेंगे संसार में आपकी कथा होगी तब तक मैं बैठ के आपकी कथा सुनूंगा और सुनाऊंगा। बाकी सबको राम जी लेकर साकेत अपने धाम चले गए, अभी भी राम को और अपनी कथा को छोड़ के गए हैं, उसको सुनो सुनाओ और भक्ति करके अपने जीवन को सफल करो। सीधा राम लक्ष्मण हनुमान की, हनुमान आविर्भाव तिथि महोत्सव की।